ये आपके एनर्जी का स्रोत है जी, समृद्ध हो सके। देखने से लग रहा होगा कि आपको मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ, लेकिन ठीक है। पानी ही बहुत अच्छा पानी है भाई, बहुत अच्छा पानी है। दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक गिलास दे दो भाई हमें भी। क्या तो पानी है, मैं बता रहा हूँ, मैं जरा गिलास खोज रहा हूँ। ठीक है दुबे जी, बढ़िया है, ऐसे ही चलता रहे। अरे नहीं नहीं ठीक, अरे नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा पानी है भाई, बहुत ही शुद्ध पानी पिलाया इन्होंने। हाँ नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप दी लल्लनटॉप डॉट कॉम देख रहे हैं। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधूंगा, मेरे साथ मेरे ताज़ा तरीन दोस्त हैं, विनय पाठक इनका नाम है, बिहार के मूल रूप से रहने वाले हैं और लल्लनटॉप आदमी हैं। अब ये हमें कैसे पता, क्योंकि हमारे जो सिनेमा के एडिटर हैं गजेंद्र सिंह भाटी, उन्होंने ये एक तीन पन्ने का खर्रा भेजा है जिसको पढ़ के हमको मजा आ गया, लेकिन ये खर्रा तो भूमिका भर है, अध्याय अभी खुलने बाकी हैं। तो शुरू करते हैं विनय पाठक से लल्लनटॉप बातचीत। ये मेरा पूरी जिंदगी का सबसे छोटा इंट्रो है अभी तक। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपने माँ और पिताजी के बारे में बताइए, उनकी बैकग्राउंड, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या करते हुए आप लोगों को पढ़ाया, वो किन किन शहरों में रहे, फिर आप किन किन शहरों में रहे उनकी वजह से। देखिए मेरी माताजी जो हैं वो भी एक पुलिस अफसर की बेटी थी। अच्छा। मेरे नाना भी पुलिस में थे, दारोगा थे अपने ज़माने में, और कुछ बड़े ही वो होता है कट्टर स्वावलंबी और जो पेनफुल ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, जिनका हर 6 महीने पे ट्रांसफ़र करा दिया जाता है, तो उस तरह के थे मेरे नाना जी। और हाल ये था कि वो एक साल भी कहीं नहीं टिकते थे, कभी उनकी सीनियर से लड़ाई हो जाती थी, कभी जैसा कि हमने सुना है कि DSP आए और किसी बात पे जूता उठा के DSP एक मारने लग गए, तो उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। ही हैड अथॉरिटी प्रॉब्लम्स। नाम ज़रूर बताइए, हमारे कई दर्शक कहते हैं कि जब आप मशहूर लोगों से बात करें तो नाना का नाम क्या था, उनका गांव कौन सा था, क्योंकि कई कई लोगों को इसमें भी बड़ा सुख मिलता है। अच्छा हाँ, यहाँ के थे वहाँ के थे। तो मेरे नाना जी का नाम था श्री राम लखन शुक्ला जी, और मेरी माता जी का नाम है किशोरी पाठक। अच्छा। सीता जी का नाम है जी किशोरी। तो मेरा जो ननिहाल है वो आरा के पास में है, बड़की। अच्छा। बड़की सनदियाँ गांव है। बड़की, बड़की सनदियाँ, सनदियाँ हाँ, वो सोन नदी के अच्छा, पास उससे में है, सोनदिया बना। तो सोनदिया से होते होते सनदिया हो, सनदिया हो, हाँ, वो भोजपुरी एक्सेंट आ गया उसमें जी। और मेरे पिताजी जो हैं वो सच्चिदानंद पाठक, श्री सच्चिदानंद पाठक, अभी 2014 में उनका देहांत हुआ। हम लोग भोजपुर के रहने वाले हैं, भोजपुर, खास भोजपुर, खास भोजपुर, खास भोजपुर। पहले भोजपुर जो है वो एक छोटी सी जगह हुआ करती थी आरा और बक्सर के बीच में। हाँ। और जिला जो था वो पहले सिर्फ आरा हुआ करता था। हाँ। अभी उसको काट के सासाराम भी जिला हो गया है, बक्सर भी अलग जिला हो गया है, आरा अलग जिला हो गया है, भोजपुर अलग जिला हो गया है। तो जो आरा और बक्सर के बीच में एक ब्रह्मपुर जगह है जो कि हमारा थाना पड़ता है, और भरखर जो है हमारा गाँव है अभी भी, और हम साल में 2-3 बार तो जाते ही हैं गांव। पर तब रह पाए थे गांव में, क्योंकि पिताजी गांव में हम कभी नहीं रहे। हम गांव में जाते थे, 1 महीने की छुट्टी हमारी जो समर वेकेशन होती थी उसमें जाते थे, या फिर छठ पूजा में सारा हम सब परिवार जाते थे, कभी कभार दिवाली में जाते थे, लेकिन शादी ब्याह में, क्योंकि खानदान भी हमारा रावण वाला था। हमारे पिताजी 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, तो चूंकि सबसे बड़े थे तो जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा थी, तो सारे भाइयों को पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण, उनकी नौकरियां सब मेरे पिताजी के कंधे पे थी। 5 भाई हम भी थे, भाई बहन। तो एक समय ऐसा आया कि हर साल मेरे एक चाचा जी की शादी होती थी। ठीक है, तो 7 तो चाचा जी थे हमारे, और हम कजिन्स में ये लड़ाई चलती थी कि भाई इस बार सहबाला कौन बनेगा, क्योंकि उसमें बड़ा फ़ायदा होता था, सूट सिलाए जाते थे, नए कपड़े मिलते थे और पैसे बहुत मिलते नेक थे, मिलता था, नेक मिलता था बहुत। तो हमारे 7 चाचा जी हैं, जो हमारे सबसे छोटे चाचा जी हैं वो मेरी दीदी से भी छोटे हैं। तो एक समय ऐसा था जब मेरी माँ और मेरी दादी दोनों एक साथ गर्भवती थी, तो इस तरह का खाना अभी भी है, हम अभी भी जॉइंट फैमिली हैं।
तो अभी भी शादी ब्याह हमारे गांव से ही होती है, तो किसी कज़न की शादी है वो, अब पहले तो हर साल दो साल में शादियां होती थी, अब हर छः आठ महीने में, क्योंकि आठ लोगों के बच्चे और बढ़ गए हैं। मतलब मैं तो गिन के नहीं बता सकता हूँ कि मेरे फर्स्ट कज़न कितने हैं, 40-45 के आसपास शादी ब्याह में पहुँचते हैं। कोशिश करता हूँ, जितना हो सकता है मैं ज़रूर जाता हूँ। तो पिताजी पुलिस में थे, कहाँ कहाँ तैनाती रही, आप कहाँ कहाँ भटके उनके साथ शुरुआती दौर? ज़्यादातर धनबाद में। अच्छा। बचपन तो गुजर गया, पटना में थे, फिर बहोर में थे, गया में थे, लेकिन मैंने जब से होश संभाला हम धनबाद में थे, और धनबाद में काफ़ी साल रहे पिताजी मेरे, बहुत साल, और बड़ा नाम था पिताजी का हमारे, बड़े ईमानदार, बड़े ही प्राउड, ब्रेव, बट वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड मैन आई एवर मेट। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसके पहले मेरे पिताजी शिक्षक हुआ करते थे, क्योंकि शादी के ठीक बाद उन्होंने, वो पहले तो कंपटीशन होते थे, तो उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर वाला भी एग्ज़ाम दिया, सब इंस्पेक्टर वाला भी एग्ज़ाम दिया, पायलट वाला भी एग्ज़ाम दिया, और सब में हो जाता था, पढ़ने में तेज थे, और जब तक ये एग्ज़ाम देते थे वो एक स्कूल में पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, और वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे, हमारे गांव के बगल में ही बगेन करके एक गांव है, तो वो उनकी पहली नौकरी, तो वो नौकरी करे उन्होंने साल भर की, इसके बाद स्कूल इंस्पेक्टर में हो गया, वो उन्होंने कुछ 9 महीने की, तो फिर आया कि आपका वो पायलट वाला में हो गया एयरफोर्स में, तो वहाँ मेरे दादाजी ने उनको जाने नहीं दिया कि भाई ये बाकी 7-8 कौन संभालेगा, तो फिर सब इंस्पेक्टर वाला में हो गया, बोले कि अच्छा है बिहार पुलिस में ही रहोगे, यहीं घर के आसपास रहोगे। तो इसके बाद मेरे पिताजी काफ़ी जगह रहे, लेकिन धनबाद में सबसे ज़्यादा रहे, क्योंकि वो ज़माना था 70s में जब सारी कोलियरीज नेशनलाइज हो रही थी जी, तो वहाँ पे उस समय कहते थे, मुझे याद है पिताजी कहते थे कि अगर हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल कोई अगर है तो वो धनबाद है, क्योंकि कोलियरी माफिया है वहाँ पे, बिजनेस माफिया है, कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसका शायद उल्लेख मैं यहाँ नहीं कर सकता। तो मेरे पिताजी को 3 बार ट्रांसफ़र करके वहाँ बुलाया गया, वहाँ उस ज़माने के जो सबसे बड़े माफिया हुआ करते थे बलिया ज़िले के, मेरे पिताजी ही वॉज़ द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट हिम, अकेले जाके उनको पकड़ के लाए थे, एंड द लेजेंड इज मेरे पिताजी सूरज देव सिंह की बात कर जी 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 मैं किसी का नाम बिना उनकी अनुमति के नहीं लेना चाहता था। नहीं नहीं, तो ये तो सबको ही पता है। जी जी जी, तो बहुत ही प्रतिष्ठित थे मेरे पिताजी, मरते दम तक काफ़ी आदर उनका रहा है उस इलाके में। और सबसे आश्चर्य की बात, जब मेरे पिताजी रिटायर हुए तो मेरे पिताजी के पास अपना मकान नहीं था, क्योंकि हमेशा हैंड टू माउथ रहे हैं, उनके पिताजी ज़्यादा धनाढ्य थे, मेरे जो नाना जी थे वो ज़्यादा धनाढ्य थे, मेरे नाना जी के जो छोटे भाई थे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो बाकी के लोग काफ़ी मतलब धनाढ्य से, मतलब आप समझ ही रहे हैं, मेरे पिताजी अंत तक। तो मैंने 2006 में जब पहली बार मेरे पास जब कुछ पैसा हुआ तो मैंने अपने पिताजी के लिए पहला मकान ख़रीदा, जो कि धनबाद में ही ख़रीदा, क्योंकि मेरे सारे मेरे चाचा जी वहाँ पे हैं, 3-4 लोग, मेरे भाई साहब अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं, मेरे बड़े भाई बोकारो में, मेरी बहन वहाँ पे लेक्चरर हैं, मेरे जीजा एक वहाँ डॉक्टर हैं, तो सारा ख़ानदान जो है अब आप समझ सकते हैं कि भोजपुर से वो धनबाद हो गया हमारे लिए। तो धनबाद मैं अभी भी जाता हूँ, हर महीने जाता हूँ, मैं अभी आया हूँ 2 हफ्ते पहले, और परसों मैं फिर जा रहा हूँ। तो ये है, आपने कहा कि अध्ययन खूब करते थे, क्या दिनमान तो, और मतलब इस तरह दिनमान ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब मैंने वो संभाला तो रीडर्स डाइजेस्ट जो है वो हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन पे आता था। अच्छा। और मेरे पिताजी ने अंग्रेज़ी खुद पढ़ी थी, खुद ही सिखाया था अपने आप को, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी लिखते थे, तो हमारे घर में विलियम समरसेट मॉम का सारा कलेक्शन, एच जी वेल्स, विलियम शेक्सपियर, जितने बड़े बड़े अंग्रेज़ी के लेखक थे उनका सारा कंप्लीट वर्क्स हमारे घर पे हुआ करता था। तो मुझे लगता था कि
शायद जब पिताजी टीचर हुआ करते थे उस समय की किताबें हैं ये। फिर बाद में पता चला कि टीचर तो मैथमेटिक्स के थे, लेकिन पढ़ने का शौक उनको मरते दम तक रहा। मुझे याद है पहली बार जब वो बम्बई आए तो मुझसे उन्होंने कहा कि काम करो, मैंने सुना है कि भवंस जर्नल का ऑफिस यहीं पे है, ज़रा लेके चलो हमें। तो हम गए भवंस जर्नल के ऑफिस खोज के कि भाई भवंस जर्नल एक अभी भी शायद उनका निकलता है, इट्स रिलीजियस मैगजीन स्लैश लिटरेचर, छोटा सा निकलता है। तो हम गए भवंस जर्नल के ऑफिस में, वहाँ पे मेरे पिताजी ने फिर से सब्सक्रिप्शन लिया और काफ़ी सारी किताबें खरीदी। और कुछ ऐसा हो रहा था कि उनका लंच ब्रेक हो रहा था, तो मैडम ने कहा कि अच्छा अभी आप बाद में आइएगा, इधर अभी लंच है, अभी हम लोग काम नहीं करते। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये तो ठीक बात है, आपको लंच तो करना ही चाहिए, लेकिन आप यही बात जो है भवंस जर्नल वाले लहजे में कह सकती थी। तो बड़ी लज्जित हुई, वो कहें कि नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, माफ़ कीजिए, आप बैठिए, हम अभी 15 मिनट में खाना खा के आपसे। तो पिताजी का मेरा थोड़ा था उनके अंदर का पुलिसमैन हमेशा, जो डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर था वो घर में भी रहता था, वो हम लोगों को भी डांट जो लगाते थे वो राइचसनेस पे ही लगाते थे, बाकी उनका कुछ लेना देना नहीं था। उनका बहुत ये था कि आप जो भी काम करें सही तरीके से करें वरना ना करें। मुझे याद है हम जब अमेरिका जा रहे थे पहली बार, तो उन्होंने यही कहा था कि देखो आप जा रहे हैं विदेश में, वहाँ वैभव है, धन है, सब चीज़ अच्छा है, चमकदार है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप जहाँ से जा रहे हैं उसकी प्रतिष्ठा लेकर जा रहे हैं आप, तो वहाँ आपको जो लोग जानेंगे आपके देश को जानेंगे, इसका ख्याल रखिएगा। और आप जिस समाज में भी रहें, अमेरिका में रहें, यहाँ रहें, आपको अगर आप उसे बना नहीं सकते तो बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मुझे अभी भी कभी कभी लगता है कि अरे यार ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही तो उसको बोल के ले लेते हैं ना, लेकिन फिर मैं सचेत हो जाता हूँ, नहीं यार ठीक है, लाइन में ही लग लेते हैं, सब लोग तो लगे रहे हैं लाइन में। तो ये मेरे पिताजी, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, ये उन लोगों का मतलब डांट से समझ लीजिए। तो क्या बुलाते थे आपको घर पे? विनय तो नहीं बोलते होंगे, कुछ बुल्लू उल्लू जैसा नाम होगा कुछ? वो नाम तो भैया मैं ना बताऊंगा, लल्लन टॉप पे तो सब खुला खेल है। तो हम दो भाई हैं, बड़े भाई साहब का नाम मुन्ना है और मेरा नाम चुन्ना है। इतना तो प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, सब लोग हंस रहे हैं आपके दफ्तर में, देखिए। सुताई होती थी कभी विनय चुन्ना की शैतानी पे? पिताजी बिल्कुल क्या हुआ कि जब मैं बहुत छोटा था ना तो मुझे भेज दिया गया बोर्डिंग स्कूल रांची। हाँ, और मुझे अभी भी याद है कि बोर्डिंग स्कूल में पहले दिन प्रिंसिपल के साथ बैठे हुए हैं अंदर पिताजी, और अचानक प्रिंसिपल मुझसे कहते हैं कि अच्छा यू गो सिट आउटसाइड। तो मैं जाके ना कान लगाया कि क्या बात हो रही है। तो उन्होंने पूछा हमारे पिताजी से कि व्हाई डू यू वांट टू टेक योर सन आउट, मैं धनबाद में पढ़ता था, तो एंड पुट हिम हियर। तो मेरे पिताजी ने कहा अंग्रेजी में कि मुझे लग रहा है कि अगर ये वहीं पे पढ़ता रहा ना तो कुछ दिन में ABCD भी भूल जाएगा, ये इसकी शिक्षा जो है रिवर्स में चल रही है। और मैं सुन रहा था, मुझे तमाम से गुस्सा में क्या बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है ABC, मैं खुद को ABCD मैं जोर जोर से बोलने लगा कि सचमुच में भूल तो नहीं गया ABCD, ये ऐसा प्रिंसिपल से कह रहे हैं। फिर बाद में इस बारे में हमारी बात नहीं हुई कभी। वो एक दौर था जब मुझे पिताजी से थोड़ा सा दंश था कि भाई क्या है, मतलब प्रिंसिपल सामने मेरी इज्जत ले लिया आपने। अच्छा, ये नहीं था कि मम्मी से दूर बोर्डिंग भेज दिया? हाँ, नहीं, प्रिंसिपल सामने बेइज्जती कर दी। हाँ, प्रिंसिपल साहब सामने बेइज्जती कर दी। बट मैं आई एम वेरी ग्लैड दैट ही मेड दैट डिसीजन, क्योंकि मैं अभी धनबाद गया था कुछ दो हफ्ते पहले और उस पुराने स्कूल के सारे दोस्तों से मिल के आया था। तो पुराने दोस्त मिलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ये एहसास बहुत गहरा कर गया कि बढ़िया हुआ कि टाइम पे निकाल लिए हमको। नहीं तो कोयले की ठेकेदारी कर रहा होता मैं कहीं अभी। बोर्डिंग मैं बोर्डिंग स्कूल से हूँ जी। कहाँ?
कानपुर से. अच्छा. दीनदयाल विद्यालय से. बोर्डिंग स्कूल के लौंडे थोड़ा अलग होते हैं, थोड़े रफ एंड टफ होते हैं, बहुत झेलना भी पड़ता है उनको. आपको क्या झेलना पड़ा? आप बुली करते थे या होते थे? शुरुआत में मैं बोर्डिंग स्कूल में शुरुआत में थोड़ा सहम के ही रहते हैं आप, क्योंकि आप सुनते हैं कि आपकी रैगिंग की जाती है, फलाना ढमकाना किया जाता है. तो मैं बचपन में और भी गोरा था और कुछ लाल जैसा था. तो मुझे चूँकि स्कूल में जो केजी से लेके पाँचवीं तक जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ तो मतलब जो भी बदमाशी होती थी साथ में करते थे, तो शायद वो भूल गए कि हमारे. लेकिन जब नए स्कूल में गया तो लौंडे कभी गाल मसल दें कि भाई बड़े चिकने उसे मलाई खाते हो क्या. ये सब होता भी बहुत है बॉयज हॉस्टल्स में. उसको हाँ, तो उसको काउंटर करने के लिए मैं एक साल बहुत चुप था भाई. मेरे दोस्त अभी भी बताते हैं कि हमें बहुत डर लगता था अप्रोच करने में. तुम्हें बोलता ही नहीं था यार कुछ, एकदम चुप. तो एक साल में चुप इसलिए था क्योंकि मैं अंदर से सहमा हुआ था. तो मिश्रा जी फिर हमारे हाउस मास्टर भी थे हमारे हॉस्टल के, हमारे हिंदी के शिक्षक भी थे, बनारस के थे और बहुत मानते थे. तो धीरे 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 मिश्रा जी ने बड़ी हिम्मत दी और मुझे अभी भी लगता है कि जो बाद में जब मैंने बोलना शुरू किया एक अपनी आवाज़ जो धीरे धीरे पहचानी मैंने, वो मिश्रा जी की देन है कि गालिब दो तो ऐसी दो कि फिर छूने की ज़रूरत ना पड़े, गुरु हुए ही उनकी लुंगी गिर जाए. तो ऐसे शिक्षक मिले हमें. फिर बाद में तो मैं बहुत ही बोलने लगा, लोगों को चुप कराना पड़ता था. जी फिर वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुँच गए. गजेंद्र ने ये जो नोट्स तैयार किए इसमें लिखा है कि विनय को देख के बिहार का अंदाज़ा होता है, न्यूयॉर्क का भी अंदाज़ा, इलाहाबाद कहीं नहीं ऐसा नहीं है लगता है. ये उनकी रीडिंग है. मैं इलाहाबाद गया ही साहित्य पढ़ने, क्योंकि मेरे बैच के जितने लौंडे थे सब DU, कोई सेंट स्टीफेंस में, कोई राम जस में, कौन सी साल की राज में. मैंने 82 में 10th पास किया था. अच्छा. तो इसके बाद सारे लोग, मैं आता भी था दिल्ली दोस्तों से मिलने और यहाँ बड़े अतरंगी हो गए थे हमारे दोस्त. BA में तक पहुँचते तो बहुत मतलब खलीफा. हाँ खलीफा कि अच्छा तुम आयो, एक काम करो उस हॉस्टल में रह जाओ. वहाँ जाता था तो मतलब ऑलरेडी हॉस्टल का कमरा साफ 5-star होटल जैसा, ये आप यहाँ रहिए. मैंने कहा भाई यार हॉस्टल में मतलब किसका कमरा किसका है, तुम्हें उससे क्या लेना देना बे, तुम रहो 2 दिन और जाओ, लोगों को बताओ यहाँ क्या टशन है हमारी. तो मुझे लगता था यार बिहार के लौंडे कमाल है. JNU जाता था वहाँ भी वही कि मतलब क्या चाहिए क्या तुम्हें बताओ तुम. तो हमें लगता था कि हमने कुछ किया ही नहीं यार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वही साइकिल लेके हम जा रहे हैं वही सिनेमा देखने. कहाँ थे एन जा में, किस में थे वहाँ? हम नहीं, एन जा में और जी एन जा में हमारी अड्डेबाजी चलती थी. अच्छा. हमने हॉस्टल से निकलते ही ये फैसला किया था कि हम अब गुरु हॉस्टल में कभी नहीं रहेंगे. थक गए थे एकदम. तो हॉस्टल का हमारा एक और दोस्त था तो हमने कटरा वटरा कहाँ लिया? नहीं अतर सुइया एकदम मतलब कोतवाली के पीछे. और वो जो विनोद साहू मेरा दोस्त है अभी भी है, वो बड़े ही धनाढ्य घर से, और उनके साथ सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उनके पिताजी बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि पढ़ने जा रहा है. तो वो भी कहता कि हमारे खानदान पहला BA करेंगे, हम देख लियो तुम. तो वो जब आए तो हमने कहा कि हम एक मकान लेंगे 2-bedroom हॉल. और वहाँ पे विनोद ने कहा कि हम एक वहाँ कुक लेके आए गांव से और गेहूं और चावल का पूरा साल भर का कोटा और खाली तरकारी यहाँ खरीदी जाएगी और पपुआ बनाएगा खाना और हम लोग जाएंगे यहाँ से सिनेमा देखने, कभी कभी क्लास कर लिया जाएंगे. ठीक है. तो उन दिनों मैं आपको बता रहा हूँ 83-84 में आई वॉज द लास्ट बैच व्हेन BA हैड ओनली 2 years प्रोग्राम. 2 साल का BA? जी हम लास्ट बैच थे, हमारे बाद वाले बैच को 3 साल का हो गया BA. हम कहते थे कि भाई झेले हो तुम लोग. और उन दिनों इलाहाबाद में 22 सिनेमा हॉल हुआ करते थे द्विवेदी. हाँ. 22 और 22 सिनेमा हॉल आप समझ लीजिए फ्राइडे को पिक्चरें बदलती थी और थर्सडे तक हमारे पास पिक्चर नहीं होती थी देखने की. हम हर कुछ देखते थे, मतलब रशियन डब्ड सिनेमा भी देखते थे और मॉर्निंग शो में जाके फर्स्ट ब्लड भी देखते थे और
हर नाइट्स भी देखते थे, गुप्त ज्ञान भी देखते थे, हम कुछ भी नहीं छोड़ते थे जो स्क्रीन पे होता था, नथिंग। मतलब कि कई हफ्ते ऐसे गुजरे हैं कि अभी वो तो देख लिया, चल भाई फिर से देख के आते हैं। पिक्चरें ख़त्म हो जाती थी भाई, सिनेमा घर में एक ही पिक्चर तो चल नहीं होती थी, वो भी पुरानी फिल्में भी चलती थी, सब कुछ देखते थे भाई हम। तो कॉलेज भी जाते थे कभी कभी, पढ़ाई भी करते थे, अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। लेकिन इलाहाबाद की अगर आप में मेरी याददाश्त की बात पूछें तो मुझे याद है सिर्फ फिल्में देखना। मैं अभी भी वहाँ के सिनेमा हॉल के नाम याद हैं कि मतलब मुट्ठीगंज में ये था, और गौतम संगीत दर्पण और चंद्रलोक, और वहाँ पे स्टेशन के पास दो ठे और हैं लक्ष्मी टॉकीज, लक्ष्मी टॉकीज, अल्लाहपुर में ये है, दारागंज में ये है, बस सिनेमा घर कहाँ कहाँ पे यही हमें पता था। हम कभी वहाँ से बनारस चले जाते थे सिनेमा देखने, क्योंकि छोटी लाइन चलती थी वहाँ से, 3 घंटे में बनारस, और भोरे पकड़े वहाँ बनारस उतरे, ये पिक्चर वहाँ अभी नहीं लगी है, ये देख लो, और देख के वापस इलाहाबाद रात को। बहुत बढ़िया। तो लिटरेचर की पढ़ाई कर ली, हाँ, इंग्लिश लिया था, हिंदी भी लिया था? अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी साहित्य था, और हिंदी साहित्य मेरा पहला इलेक्टिव था, तो इसलिए नंबरों की मारामारी रहती थी। मुझे अंग्रेजी नंबर आ जाते थे ठीक ठाक, लेकिन हिंदी में नंबर लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। अच्छा, हाँ, लेकिन ठीक ठाक पास हो गए थे हम। कुछ लिखना लिखना भी शुरू किया था तब अंग्रेजी में पोयम? अरे देखिए क्या है ना कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के जितने लौंडे हैं ना, अंदर से सब कवि हैं, आप ये भी लिख के रख लीजिए। कलाकार सब लोग हैं, किसको कितना मौका मिलता है वो उतना निकालता है। या पड़ोस की लड़की को देख के गज़ल लिखना शुरू किए तो खुद ही गालिब हो गए, या कहीं मारपीट हुई आए तो अपने आप पे एक आत्मग्लानी वाली कविता लिख डाली तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, ठीक है ना। तो लेखक तो हर कोई रहता है, कलाकार हर कोई रहता है। हम भी लिखते थे, स्कूल से लिखते थे, कॉलेज में भी लिखा, फिर बाद में भी लिखा, ड्रामा स्कूल में भी लिखा, मुंबई आने के बाद भी लिखा। उन दिनों का लिखा कुछ जो याद हो, स्कूल या इलाहाबाद के दिनों का? मैं उनको भूल जाना ही चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी किसी डायरी में लिखी रहती है कुछ चीज़ें। मैं पढ़ता हूँ तो बहुत हंसता हूँ अपने आप पे कि हम, क्योंकि पता लगता है कि ये जो कविता मैंने लिखी थी ये वह तोड़ती पत्थर देखने के बाद ही लिखी थी, ठीक है ना, और ये जो लिखी थी ये प्रणय पत्रिका पढ़ने के बाद लिखी थी। वो लग रहा था कि मतलब हम इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे हर उन कवि और लेखकों से और साहित्यकारों से कि हम उन्हीं की शैली में लिखना शुरू कर देते। तो हम नहीं चाहते थे ऐसा भगत बनना कि हमारी कविताएं जो हैं वो बिकें ज़्यादा और लोगों को समझ में आए कम। तो अच्छा विनय, एक पंक्ति में कह दिया जाता है कि न्यूयॉर्क चले गए पढ़ाई करने, दीदी थी जी, पर इतना आसान तो नहीं रहा होगा इलाहाबाद में एकदम से न्यूयॉर्क? नहीं था आसान भाई, मतलब वहाँ भी पहले एक साल में चुप ही हो गया क्योंकि मुझे, कहाँ दाखिला लिया था आपने? स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। अच्छा, हाँ, लॉन्ग आइलैंड में है, स्टोनी ब्रुक जगह है। तो पहला साल तो मेरा एमबीए करने गए थे आप? हाँ, पहले एमबीए करने गया था, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ पढ़ाई होती है, बीए की पढ़ाई होती है 4 साल की, और आप 2 साल करके, हम 2 साल करके गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो बाकी के 2 साल हैं इसके कुछ क्रेडिट्स आपको लेने पड़ेंगे, और इसके बाद या तो आप अभी बिजनेस स्कूल में दाखिला ले लीजिए और वो कोर्स भी करते रहिए साथ में। तो पहला साल जो मेरा था वो उस 2 साल की कमी पूरी करने के लिए मैं वहाँ के कोर्सेज ले रहा था, फिर से अंग्रेज़ी पढ़ी, फिर से इकोनॉमिक्स पढ़ी, फिर से बाकी के मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स। तो 1 साल के बाद जब वहाँ के बैचलर्स प्रोग्राम में या वहाँ के मास्टर्स प्रोग्राम में जाने का, मतलब जो क्रेडिट्स पूरे हो गए मेरे, तो उस समय वही हादसा हुआ नाटक वाला, और मैंने फिर से बीए की पढ़ाई शुरू की थिएटर में। अच्छा, जिस हादसे का विनय पाठक जिक्र कर रहे हैं, एक प्ले है एक्वस, पीटर शेफर का लिखा, पीटर शेफर का लिखा हुआ, तो वो इत्तेफाकन आप देखने चले गए थे? नहीं, क्या था कि हम जब बिज़नेस स्कूल में थे तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आप बिज़नेस कोर्सेज के अलावा और भी लिबरल आर्ट्स के कोर्सेज ले सकते हैं जिसमें आपको 3 क्रेडिट दिए जाएंगे। तो उसमें शौक से मैंने प्ले एनालिसिस एक कोर्स ले लिया था।
तो प्ले एनालिसिस में था कि आपको नाटक पढ़ने के लिए दिया जाएगा, देखने के लिए भेजा जाएगा, और आप उसकी समीक्षा लिखिए, उस पर जो डिस्कशन होंगे क्लास में उसमें हिस्सा लीजिए, उस पर डिबेट कीजिए, आप अपना एक पेपर लिखिए, अपनी थ्योरी लिखिए। बहुत इंटरेस्टिंग, आसान सा था हमारे लिए लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो प्ले एनालिसिस मैंने ले लिया कि ठीक है यार, एक 3 क्रेडिट का कोर्स है, इतना तो मशक्कत कर ही रहे हैं इकोनॉमिक्स और फलाना ढिमकाना, एक थोड़ा अच्छा रहेगा, मंडे वेंसडे फ्राइडे 1.5-2 घंटे जाके थोड़ा मज़े कराएंगे। तो उसमें हमें कुछ 3-4 नाटक देखने, वो कोर्स में था कि हमें देखना है, नाटक का जो टिकट है उसको, उसकी समीक्षा लिख के टिकट के साथ स्टेपल करके सबमिट करना है। अच्छा जी, तो पहला नाटक जो मैं देखने गया वो था एक्वस। और फिर लगातार 2 हफ्ते देखा? लगातार 2 हफ्ते देखा। उसमें भी क्या है कि उन दिनों कुछ $8 लगते थे टिकट के, तो पहली बार तो $8 दिया मैंने, फिर मुझे फिर से देखना था, तो उन्होंने ही बताया, हमारे जो वहाँ के गुरुजी बने बाद में डॉक्टर फाली रिचमंड, जो प्ले एनालिसिस के प्रोफेसर भी थे, उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ जाएँ एंड इफ़ यू ऑफर योर सर्विसेज कि मैं अशरिंग कर दूँगा, अशर होते हैं ना कि आप जाके टिकट दिखाएं, आपके बच्चा आपका L7, आप आइए, आप यहाँ बैठिए। तो मैंने वॉलंटियर किया, मैंने कहा कि अशर करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो अगले 2 हफ्ते मैं चला जाता था, 1.5 घंटे पहले दरवाज़ा खुलते ही अशरिंग करता था जितने दर्शक आते थे, और इसके बाद मैं नाटक देखता था, और लगातार मैंने उसको 8 बार देखा। क्या था ऐसा उस नाटक, मतलब कहानी? कमाली था, कमाल इसलिए था क्योंकि वो नाटक पढ़ा हुआ था मैंने, क्योंकि हमारे कोर्स में था। अच्छा। और पढ़ने के बाद जो मजमून था जहन में उससे कुछ और ही था यार, क्योंकि उस नाटक में जो पढ़ा मैंने उसमें घोड़े थे, उसमें एक अस्तबल था, और अस्तबल में जो क्लाइमैक्स है उसमें 17 साल का एक लड़का है, वो चीत्कार करके खंजर उठा के सारे घोड़ों का आंख फोड़ देता है। ये नाटक में था, जो आई कैन इमेजिन। लेकिन जब मैंने उसको स्टेज पे देखा कि वो जो 6 एक्टर्स थे जो घोड़े बने थे, और वो ब्लैक बॉक्स थिएटर था, और नाटक की शुरुआत में ही सारे एक्टर आते थे, 6 घोड़े थे और 6 कुर्सियाँ रखी हुई थी उनके सामने, और सारे एक्टर आके कुर्सियों पे बैठ जाते थे, स्टंड साइलेंस, नथिंग, वेरी स्टैटिक, और इसके बाद नाटक शुरू होता था जो खेला जाता था उस बीच में। और उस डायरेक्टर ने इतनी लिबर्टी ली थी उस नाटक से, जो कि मुझे नहीं पता था कि आप कर सकते हैं ऐसा, अरे यार उसमें तो ऐसा लिखा है, ये नाटक जो है ये बेस्ड है मतलब मिडिल क्लास इंग्लैंड, यू नो, इन द 70s, ये क्या दिखा रहा है इसमें, तो इसकी माँ ब्लैक अफ्रीकन है और बाप वाइट है, और इसमें जो साइकाट्रिस्ट है शी इज़ अ वुमन, उसमें तो आदमी था। फिर धीरे धीरे जब 8 बार देखा मैंने, तो मतलब मुझे लगा कितनी संभावनाएं हैं भाई एक कहानी को कहने की, आई कुडंट बी विथ नॉर्मल सी फॉर अ मंथ, मुझे समझ में कैसे कर लिया भाई उन्होंने। क्योंकि जब नाटक शुरू हुआ उसके बाद मुझे नहीं नज़र आया कि वो जो घोड़े बने हैं वो एक्टर हैं, दे हैड दिस मेटल कास्क एज अ हॉर्स हेड एंड यू कुड सी दे वेयरिंग ब्लैक जीन्स एंड ब्लैक टी शर्ट, नथिंग एल्स। और जब घोड़े की, क्योंकि द हॉर्स वॉज अ कैरेक्टर इन द प्ले, ब्लू माई माइंड कम्प्लीटली। मैंने कहा मैं बहुत ही गधा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ इधर, क्या कर लूँगा मैं वॉल स्ट्रीट में काम करके, बवासीर हो जाएगा पहले ही साल में, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने बहुत हाथ पैर मारा, फिर हम वहाँ गए काउंसलर्स मिले, वहाँ पे वहाँ की यूनिवर्सिटी में आपको फ्री के काउंसलर दिए जाते हैं। कह रहे दुबे जी आपको पता नहीं आप में क्या टैलेंट है, अरे कहाँ आप पढ़े हुए हैं यहाँ पे, हम बताते हैं आपको, आइए इधर, आप ना एडिटर के लिए बने ही नहीं हैं, आप विधानसभा के इलेक्शन लड़िए, समझ रहे हैं, ठीक है ना, और देश का उद्धार कीजिए। सो द काउंसलर्स आर प्रोवाइडेड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, कि आपने जो पढ़ाई की है एक सेमेस्टर में उस पढ़ाई के अनुसार आपको बताते हैं कि अरे आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो जब आपको अपनी फैकल्टी छोड़नी होती है या कुछ भी चेंज करना होता है, काउंसलर के पास जाके आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो मैं गया, मैंने कहा कि भाई मैं तो थिएटर पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे ही करके। हाँ, पागल है क्या,
सीधा उसने बोला डोंट बी मैड यू हैव सच वंडरफुल स्कोर यू आर टॉप 10 ऑफ योर क्लास डिड यू नो दैट मैं कहा नहीं नो डोंट डू दैट आई वुड नॉट अलाउ मैं कहा क्या बात कर रहे हैं मैं बोला मुझे पढ़ना है भाई नहीं नहीं सुझे एक कहता है आपने अपने पिताजी से पूछा है क्या भाई यार पैसे मैं दे रहा हूँ तुम्हें पिताजी से क्यों पूछूँ ठीक है अमेरिका में एक और चीज़ अमेरिका ने सिखाई कि अगर आप पैसे दे रहे हैं ना आप ही मालिक हैं ये बात हमें अमेरिका में सिखाई कि इसके बाद आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद कमा के आप कुछ भी करें अपने पैसे की टोपी बनवा के और एक बैलून फिरा के सड़क पर बैठ जाएं अगर आपके पैसे की है तो आप उसके मालिक हैं तो मैंने कहा नहीं 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 भाई ऐसा नहीं होगा मैं आई वॉन्ट टू जॉइन थिएटर तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता आप जाओ थिएटर डिपार्टमेंट में वहाँ भी काउंसलर मिलता है मैं एक काउंसलर से दूसरे काउंसलर के पास पहुँचा वो काउंसलर हमारे पहले डायरेक्टर भी बने बाद में तो वो मेरी शक्ल की तरफ देखे भी नहीं ऐसे बैठे हैं आप बैठे हैं काउंसलर साहब के हाँ कहिए व्हाट डू यू वांट मैं बोल रहा हूँ सर मुझे थिएटर करना है बट द नोटिस आई गॉट तुम तो बहुत अच्छे हो भाई पढ़ने में तुम थिएटर क्यों करना चाह रहे हो मैंने कहा कैसे लोग हैं यार मैंने कहा मुझे करना है अपने पिताजी से पूछा यार ये पिताजी कहाँ जा रहे हैं बार बार अमेरिका में मैं सात समंदर पार बैठा हूँ अभी भी उनका नाम लेके डरा रहे हैं ये लोग तो मैंने कहा नहीं मैंने ठान लिया मुझे ये करना बोले कि काम करो तुम थिएटर के जो हमारे चेयरमैन हैं उनसे मिल लो वो इंडिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वहाँ मुझे बाद में एहसास हुआ कि वहाँ के जितने प्रोफेसर थे उनके जहन में जो हमारे देश की इमेज थी वो यही थी कि ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और पढ़ लिख के व्यवसाय करने वाले लोग हैं या तो ये डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या कोई बिजनेसमैन बनेंगे या एमबीए करके किसी कंपनी में बनेंगे इसके अलावा इनको और कुछ आता वाता है नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर बनेंगे वहाँ पे थे कुछ एक दो देसी प्रोफेसर भी तो थिएटर में क्या क्योंकि वहाँ के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में एक इंडियन नहीं वहाँ के आर्ट डिपार्टमेंट और बहुत ही बड़ा उनका वो आर्ट सेंटर जो था ना थिएटर म्यूज़िक एंड आर्ट एक भी भारतीय नहीं तो मुझे लगता था कि वो ये अगर कोई भूले भटके आ गया तो फिर अरे रास्ता भूल गया बेटा देख उधर है प्री मेड डिपार्टमेंट उधर जा ठीक है तो उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर आप चेयरपर्सन ऑफ जो थिएटर डिपार्टमेंट हैं उनसे बात कीजिए चलिए उनसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर फारली रिचमंड तो उनके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो बड़ा खुश हुआ मैं इज़ दी ओनली अमेरिकन राइटर थिएटर स्कॉलर हु हैज रिटन अ लॉट अबाउट इंडियन थिएटर डॉक्टर रिचमंड डॉक्टर फारली रिचमंड वो 70 के दशक में उनकी भी कहानी कमाल की है वो 70 के दशक में उनको भी शौक चढ़ा कि मैं कोडियत्तम एक डांस फॉर्म होता है जो केरला में कलामंडलम में सिखाया जाता है वो कथकली से भी पुराना है तो उन्होंने कहा वो क्या हाउ डू प्रोनाउंस इट कोडियत्तम 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 अच्छा तो कोडियत्तम में रिसर्च करना चाहते थे सीखना चाहते थे तो पहुँच गए केरला कुछ 69-70 की बात है कलामंडलम सीधा अमरीकी आदमी उसको तरह बचा के पहुँच सीखना शुरू कर देना है तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मिस्टर रिचमंड हम आपको बताते हैं कि आप क्यों गलत जगह पे आ गए हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है हमारा सबसे प्राचीन सबसे पौराणिक सबसे ओल्ड डांस फॉर्म है और ये हम सिर्फ मंदिरों में करते हैं वो भी सूर्यास्त के बाद वो भी सिर्फ अंग वस्त्र में मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं सिर्फ धोती नीचे उपरार्ध और तेल से जलती हुई ढिबरी की रोशनी में ये है हमारा नाटक और इसको सिर्फ ब्राह्मण सीख सकते हैं आप तो अंग्रेज हो आप वापस जाओ अपने घर इसे वी डोंट टीच इट टू एनीवन हु इज ए नॉट हिंदू एंड नॉट अ ब्राह्मण तो अमेरिकन रिचमंड साहब ने कहा कि अच्छा तो फिर ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए हमें सो बेसिकली द लेजेंड इज कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उस थिएटर स्कूल के प्रांगण में और इसके बाद 3 साल उन्होंने वहाँ पे कलामंडलम में रह के कोडियत्तम सीखा और अपनी पीएचडी रिसर्च की और इसके बाद आके अभी भी अमेरिका में एक्चुअली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज़ दी ओनली नॉन इंडियन
प्रोफेसर ऑफ इंडियन डांस एंड ड्रामा. वाह. और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लगा ये एक और ऐसे ही अंग्रेज जैसे ये सब हमें इधर जाओ उधर जाओ कर रहे हैं. पापा से पूछो. हाँ पापा से पूछो. तो हम वहाँ पहुँचे तो उनको लगा कि मैं गुजराती हूँ. उन्होंने कहा कि केम छो. मैंने कहा अरे यार. मैंने कहा नहीं सर, मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ. कस्बे. और मैंने बताया उनको तो वो बहुत मतलब हर जगह वेल रेड वेल ट्रेवल्ड मैन. तो उन्होंने तुरंत नालंदा पावापुरी राजगीर समझ लिया कि मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ. फिर उन्होंने कहा समस्या क्या है. उनकी समस्या ये है कि कोई मुझे इनकरेज कर ही नहीं रहा है. मैं थिएटर की पढ़ाई करना चाहता हूँ. सब कहते हैं पागल मत बनो. मतलब अमेरिका में आके कह रहे हैं कि डोंट डू दिस डोंट डू दिस. ही सेड दे सेइंग इट बिकॉज योर स्कोर इन बिजनेस स्कूल इज वेरी गुड. मैं कि ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कहाँ लिखा है कि थिएटर करने वालों को बेवकूफ़ होना ज़रूरी है. मतलब स्मार्ट लोग थिएटर भी तो कर सकते हैं. ही लाफ्ड. ही सेड अरे डोंट वरी, वेलकम टू थिएटर. जो काम मैं दो हफ्ते से जूझ रहा था उन्होंने दो मिनट में साइन किया. क्योंकि पहले ऑडिशंस हुआ करते थे वहाँ पर, तो उन्होंने ऑडिशन के लिए अनुमति दे दी. टीचर भी असाइन कर दिया कौन ऑडिशन लेगा. हम दूसरे दिन गए ऑडिशन किया. मेरी किस्मत बहुत अच्छी, जैसे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे टीचर अच्छे मिले. तो जो टीचर हमारा ऑडिशन ले रही थी वो अब भी एक महीने पहले दिल्ली से वापस गई थी. और उन्होंने यहाँ LSR में एक नाटक डायरेक्ट किया था, स्टील मैग्नोलियस. शी डायरेक्टेड द प्ले वर्जन. और यहाँ पे कुछ वो छः महीने थी या साल भर थी एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम. अच्छा. तो वही मैं कहूँ कि मेरा सौभाग्य कि मिस्टरी कैंट सेड यस आई एम हियर टू टेक योर ऑडिशन. यस व्हाई डू यू वांट टू जॉइन थिएटर. सी बिकॉज आई लव इट मैम. अरे यू नो व्हाट आई लव समोसा एंड आई मिस देम सो मच. और फिर वो चार कहानियाँ सुनाने लगती थी. फिर अच्छा अच्छा ओके ओके लेट्स कम्प्लीट दिस. सो फिर एक मुझे कुछ दिया पढ़ने के लिए, मैं पढ़ने लगा. इसके बाद मुझे झुमके के बारे में बताने लग गई. मतलब वो अभी नई नई आई थी तो मतलब बिल्कुल ही एकदम ऐसा. मैंने कहा अरे यार ये पता रहता तो मैं रायता लेके आता था इनके लिए, यहीं फैल जाता था रायता हमारा. सो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू थिएटर स्कूल. एंड फॉर हाउ लॉन्ग विद्या. चार साल तो मैंने पढ़ाई की. तीन साल नाटक किया वहाँ पे. फिर तीन साल नाटक किया. हाँ. और मतलब जीविका उपार्जन वहाँ पर आसानी से मुमकिन है. मतलब अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो हाँ कमा सकते हैं. हालांकि आई यूज टू डू थ्री जॉब्स फॉर द ट्यूशन दैट आई यूज टू गेट. जब मैं बिजनेस स्कूल में था तो मुझे दो स्कॉलरशिप मिलते थे. अच्छा. स्टेट गवर्नमेंट का भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी. और जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट बदला वो स्कॉलरशिप टी आधे हो गए. क्योंकि अमरीका में भी जो सहूलियत दी जाती है वो आर्ट के विद्यार्थियों को सबसे कम दी जाती है. अगर मैं मेडिकल स्कूल में रहता तो मेरा 75% फीस जो है वो गवर्नमेंट दे देती, मदद करती थी उसके लिए. लेकिन आप बिजनेस स्कूल से सीधा चले गए थिएटर स्कूल में तो उन्होंने लिख के बताया भी कि वी डोंट हैव फेथ इन योर अर्निंग पावर. सो दिस इज द ग्रांट यू विल गेट. क्या काम करते थे आप? मैं तीन जॉब मैं रेगुलरली करता था. फिर समर में कुछ नया जॉब ले लेता था. एक हमारे कैंपस में ही कॉन्सर्ट हाउस था तो उसमें हाउस जो शुरुआत की थी मैंने अशरिंग से, तो वहाँ जाके मैंने स्टेज असिस्टेंट स्टेज मैनेजर से शुरुआत की. करते करते मैं मेन स्टेज मैनेजर, हाउस मैनेजर कहते हैं उनको, हाउस मैनेजर हो गया. हमारा काम था अशर्स की नियुक्ति करना, उन्हें बताना कि क्या काम करना है, कैसे टिकट देखना है, कैसे राह देखना है. एंड वी एवरी समर वी यूज टू होस्ट डिफरेंट आर्टिस्ट क्योंकि वो कॉन्सर्ट हाउस बहुत ही पॉपुलर था. अच्छा. तो मैंने बड़े बड़े डांस प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं. मैंने एलन डिजेनरस को होस्ट किया अपने यहाँ. उस समय वो नई नई स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करती थी. बड़े बाल हुआ करते थे. बड़ी चुप सी औरत थी, बहुत खूबसूरत थी. और जब हमें बताया गया कि भाई इनकी तो ओरिएंटेशन अलग है, मैंने कहा कि वेस्ट है यार. ठीक है. तो एक शाम उनको भी, फिर
एक ग्रेगरी हाइंस करके बहुत बड़े टैप डांसर आर्टिस्ट एक्टर सिंगर हुआ करते थे, उनको भी हमने होस्ट किया अपने यहाँ, काफ़ी काफ़ी लोगों को होस्ट किया, कई नाटक इंटरनेशनल प्लेज हमारे यहाँ आते थे, क्लासिकल कॉन्सर्ट्स होते थे हमारे यहाँ, क्योंकि उस कॉन्सर्ट हाउस में चार बड़े स्टेज थे और एक छोटा सा म्यूजिकल स्टेज था जिसमें कुछ 100-125 लोग आते थे, बड़े वाले में 500 तक लोग आते थे, तो उन सबको मैं मैनेज करता था, ये मेरा मेन मुख्य काम था। और जो इसके अलावा मैं कैंपस सिक्योरिटी भी करता था वीकडेज में, तो हॉस्टल में रहता था, सीटी मारते हुए जागते रहो? नहीं, वहाँ पे आपको बाकायदा वॉकी टॉकी दी जाती है। हाँ। और इसके बाद आपको कहा जाता है कि टेबलर स्क्वाड से एक मोहतरमा जो है 104 नंबर कमरे से वो दूसरे हॉस्टल में जाना चाहती, बहुत बड़ा कैंपस था। हाँ। तो हम जाते थे बतौर सिक्योरिटी ताकि बीच रास्ते में बाघ उनको खाना जाए ऐसा, एंड देन विल। और बाघ से बचाव के लिए आपके पास क्या होता? कुछ नहीं, वॉकी टॉकी वॉकी टॉकी दैट वाज कनेक्टेड टू द कैंपस पुलिस। अच्छा। हाँ। लवली। तो फिर थिएटर किया 3 साल? जी 3 साल नहीं, आप कह सकते हैं 7 साल, मतलब 4 साल पढ़ाई के दौरान और 3 साल उसके बाद। तो जब ये सब कर रहे थे तब अम्मा बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया थी, दीदियों की क्या प्रतिक्रिया? बाबूजी को मैंने ग्रेजुएट होने के 1 महीने पहले बताया कि हमने अब थिएटर ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई भाई। जब मैंने सारा चेंज हो गया, इसके बाद मैं आया था, मेरी छोटी बहन की शादी थी, कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, सब ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा। इससे ज़्यादा बेचारे मेरे पिताजी कुछ पूछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का ज़्यादा ज्ञान था नहीं। तो ग्रेजुएशन के 1 महीने पहले मैंने फ़ोन किया और कहा, चलिए भाई कंग्रेचुलेशन, आप तो ग्रेजुएट होने वाले हैं। मैंने कहा हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो फिर आगे मैंने कहा, इसके पहले एक बात बतानी थी आपको, मैं जो ग्रेजुएट हो रहा हूँ ना पापा, वो MBA की डिग्री से नहीं हो रहा हूँ, वो मैं थिएटर से ग्रेजुएट हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कब हुआ? मैं ये नहीं, बीच में मैंने सोचा कि मुझे अच्छा लग रहा था तो पापा मैंने सोचा कि। तो उसे बीए कर रहे हैं आप? उनके जी BFA की डिग्री मिलेगी, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। वहाँ थिएटर की पढ़ाई होती है कॉलेज में, डिग्री देते हैं वो? उनके जी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आपने जब कर ही लिया है तो क्या क्या नौकरी मिलेगी तुम्हें? मैंने कहा पापा, नौकरी का तो उसकी कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि बोले कमाल है यार, इतना तुमने इतने पैसे खर्च किए, इतने साल बर्बाद किए, ये कैसी पढ़ाई कि नौकरी कोई गारंटी नहीं। बहुत बड़े। और ये पूरा संवाद किस भाषा में हो रहा था? हिंदी में? हिंदी और अंग्रेजी। अच्छा, हिंदी। हाँ, भोजपुरी सिर्फ मैं अपनी अम्मा से बतियाता था। हाँ। हाँ। मेरे पिताजी हिंदी और अंग्रेजी में बात करते थे। हाँ। तो बड़े थोड़े निराश तो हुए थे, लेकिन ठीक है। बट आई ऑल्सो थिंक दैट माई डैड वॉज द फर्स्ट वन टू कम अराउंड। जब मैं मुंबई आया पहली बार, तो मैं जाता था, घर जाता था हर 3-4 महीने के बाद, तो बड़ा अफसोस करते थे कि काश मुझे ये तुम्हारे क्षेत्र के लोगों से कुछ जान पहचान होती, मुझे लगता ही नहीं कैसे तुम्हारी मदद करूँ। भाई मैं एक ही आदमी भी जानता हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी को, क्योंकि वो पीर भौर में जब मेरे पिताजी वहाँ थे तो वो स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी? तो कुछ आंकड़े शायद थे। कहाँ पे, कौन सी जगह में? ये पीर भौर जो है पटना में है। अच्छा। पटना कॉलेज के पास में ही पीर भौर थाना है। हाँ। जहाँ पे मेरे पिताजी ऑफिसर इंचार्ज थे उस समय। हाँ। और शत्रुघ्न सिन्हा स्टूडेंट लीडर थे जी, तो उनकी दोस्ती थी तब से, मेरे पिताजी भी उस समय काफी कम उम्र के रहे होंगे। तो जब भी सिन्हा जी आते थे, 2-3 बार मेरे पिताजी हजारीबाग में पोस्टेड थे तो मिलने आए थे, तो उनको ये लगता था कि अच्छा कोई नहीं है तो शत्रुघ्न तो ही है, ठीक है ना। एक बार मुंबई आए तो बोले कि भाई मुझे जाना है उनसे मिलने, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कैसे अब आपको ले चलूँ उनसे मिलाने, मैं तो खुद ही स्ट्रगलिंग एक्टर। बोले तुम घबराओ मत, मेरे पास नंबर है उसका। उन्होंने फ़ोन किया, वो बड़े खुश हो गए, उन्होंने गाड़ी भेजी, वो गए बाकायदा खाना वाना डिनर करके आए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, बोल रहा था कि भेजिए उसको मिलने के लिए। मैंने कहा क्या बोल दिया आपने उनको? नहीं, वो कह रहा था कि आप यहाँ कैसे? तो मैंने बताया कि तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ पे।
और मुझे थोड़ी शर्म आएगी कि आपने क्यों बोल दिया उनको ऐसा, वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो खुद एक्टर हैं। बोले नहीं वो बोल रहा है, जान पहचान होगी, जाके मिल लो तुम। अच्छा ठीक है मिल लेंगे, अब आप बोल रहे हैं। मैं बड़ा हिचकिचाता हुआ एक दिन गया उनसे सेट पे मिलने, बहुत ही अफेक्शनेटली मिले भी। बोले भाई मुझे तो पता ही नहीं था। मैं गया नहीं पिताजी कुछ ज़्यादा ही बोल लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट दैट वॉर्म्थ इज देयर, बट आई नेवर आई डिडंट नो हाउ टू गो एंड आस्क फॉर वर्क। या मुझे पता चल जाएगी यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है तो मैं पहुँच जाऊँ कॉन्फिडेंस है कि अच्छा मैं भी करूँगा ऑडिशन, लेकिन ये कैसे कहूँ कि आप ज़रा थोड़ा पौवा लगा दीजिए, थोड़ी पैरवी कर दीजिए हमारी। अभी तक मुझे समझ ही नहीं है उसकी, शायद पिताजी ने सिखाया नहीं या करने से हतोत्साहित किया शायद उस वजह से। तो चुन्ना भैया न्यूयॉर्क में थे, फिर हम मुंबई कैसे आ गए अमेरिका छोड़ के? तो वही हमारे जो डॉक्टर फार्ली रिचमंड है, हाँ। तो इन्होंने कहा कि तुम जाओगे नहीं वहाँ मुंबई। हम क्या पागल है क्या, मैं थिएटर का एक्टर हूँ, मैं मुंबई जाके क्या हल्की चीज। हाँ मुझे सचमुच हल्की लगती थी कि ये हायर आर्ट है भाई थिएटर। और मैं मतलब अब सोचता हूँ तो हंसता हूँ, आई गेस इवन आई हैड अ राइट टू बी यंग एंड स्टूपिड एट वन पॉइंट। तो बहुत हंसे वो। मैंने कहा आप चाहते हैं मैं टेलीविजन करूँ, जाके फिल्में करूँ, चार साल आपने ये सिखाया मुझे। तो बहुत हंसे वो, अच्छा है अच्छा है, आदर्शवाद अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार जाओ तुम, कितने पानी में तुम हो तुम्हें भी पता चलना चाहिए ना। ठीक है यहाँ पता कर लेंगे ना कितने पानी में। हॉलीवुड कुड हैव बीन वन ऑप्शन। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास वो भाषा है और तुम्हारी जड़ वो है, और थिएटर में भी तुमने तो सीखा ही होगा कि जड़ कितना मजबूत होता है। हमारे फाइनल ईयर में उन्होंने हाय वदना पढ़ाई थी हमें, हाय वदन, हाँ गिरीश का नाम था जी, तो वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी थिएटर क्लासिक, करेक्ट, एंड द लेजेंड स्टिल अराउंड। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक यू शुड गो एट लीस्ट वंस। मैंने चलिए आप कह रहे हैं तो मैंने एक रिटर्न टिकट लिया वहाँ से कि 5 महीने मुंबई में रहूँगा। कौन से साल की बात है ये? है 95 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने रिटर्न टिकट लिया और उन्होंने मुझे 4 रेफरेंस लेटर दिए पैरवी टाइप वाले, लेकिन ये भी समझाया कि दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, यू गो एंड मीट देम। एलेक पदम से, पर्ल पदम से, सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड, और ये चारों चिट्ठियाँ लेकर मैं मुंबई आया। पर आप दिल्ली उतरे थे पहले? नहीं, हाँ दिल्ली उतरा था, यहाँ एक हफ्ते रहा था मैं। हाँ। और एक हफ्ते रह के मैं यहाँ के थिएटर वाले लोगों से मिला था, एन के साहब से मिला था मैं। उन दिनों वो मुझे भी चांद चाहिए की रिहर्सल कर रहे थे। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र मैं जी। हाँ। और मैं स्मिता निरूला से मिला था। स्मिता निरूला इज द ओनली अदर इंडियन हु हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम प्रोग्राम, सेम यूनिवर्सिटी, बट अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। वो ड्रामेटर्जी किया था उन्होंने, वहाँ से एमए किया था उन्होंने, एमए। शी वाज अ सीनियर, फ्यू इयर्स। वे सीनियर, मैं कभी मिला नहीं था उनसे। तो मतलब रेफरेंस में आया था मैं उनसे भी मिला था, उन्होंने मुझे काफ़ी थिएटर वालों से मिलाया था, NSD में उस समय जो थे हेड उनसे भी जाके मैं मिला, उन्होंने मुझे एक एड हॉक नौकरी भी। तब समय आई थिंक अलका जी का तो दौर बीत चुका। नहीं नहीं अलका जी साहब नहीं थे, उनके बाद जो थे, जिन्होंने शायद एक लैला मजनू नाटक किया था, क्या नाम उनका, बजाज साहब, राम गोपाल बजाज, करेक्ट। प्लीज भाई इसको काट देना, कैसे मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। अरे नहीं नहीं, तो मैं उनसे मिला, उन्होंने देखा मेरा रेज्यूमे, देखा मुझसे काफ़ी बातचीत की 1 घंटे, फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं एक स्पेशल क्लास लेते हैं हमारे यहाँ NSD में, थिएटर वर्कशॉप इम्प्रोव। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मुझे शुरुआत में तो और अच्छा है, आते ही नाट्य संस्था में नौकरी मिल रही मुझे, वो भी पढ़ाने की, कॉलेज वाला प्यार, हाँ, टीचिंग। हाँ तो फिर मैंने ऐसी ही हिचकिचाते हुए पूछ लिया कि जब मुझे धन कितना मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि धन तो ये तो सरकारी संस्था है, धन का कुछ नहीं, कन्वेंस दे देंगे हम आपको। तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक स्पेशल कोर्स वो करेंगे एक सेमेस्टर, हमारे यहाँ भी होते थे, बाहर से आते थे लोग। तो मैंने कहा भाई ये ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, मैं सोच विचार करके वापस आऊँगा, क्योंकि मैं तो आया ही हूँ कि भाई अगर तुम अपने पैरों पे खड़े हो सके सिर्फ एक्टर बन के, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो फिर मैं वहाँ से
पटना चला गया, फिर पटना से आया मैं मुंबई और 6 महीने बाद फिर चला गया वापस। तो कहाँ पहुँच गए थे मुंबई में? मुंबई में हम लोग ऐसी कहानियां सुनते हैं ना, कि वो तो एक बक्सा सूटकेस एक पता, वैसे ही एक दोस्त के दोस्त जो था कलकत्ते का, वो पीजी में रहता था पेडर रोड में, तो उससे बात हुई, उसने कहा हाँ मैं बात कराता हूँ, ठीक है चल। मैं कहा यार एक हफ्ते में तुम्हारे यहाँ रहूँगा, फिर मैं ढूंढ लूँगा ठिकाना। तो फिर मैं आया तो मतलब उसको मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई, बोले अरे कहाँ ठिकाना ढूंढे, यहीं रहो यार। मैंने कहा ठीक है यार। तो एक महीना रहा मैं उसको, इतना जोर दे रहा है तो रुक जाता। तो एक महीना उसके यहाँ रहा, फिर 4 बंगले में, क्योंकि मैं वहाँ से जब आया था तो आने के 1 साल पहले, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि मुंबई जा रहे हैं हम 6 महीने के लिए, धन लगेगा वहाँ पे, रेज्यूमे पिक्चर्स फोटोग्राफ्स हेडशॉट्स बोलते थे उसको, इस सब के लिए पैसे लगते हैं। तो मैं जो पहले 3 जॉब करता था, फिर मैंने 4 जॉब करने शुरू कर दिए फुल टाइम। तो वापस एक तो बाघ से लड़की बचाना, हाँ, वॉकी टॉकी के जरिए, एक वो अशरिंग का हेड, हाँ, तो वो जो था सिक्योरिटी वाला जॉब हट गया मेरा, क्योंकि उसके लिए आपको कैंपस में होना जरूरी है, लेकिन मैं तो निकल चुका था। लेकिन जो हाउस मैनेजर वाला जॉब था कॉन्सर्ट हाउस में, वो सीनियर जॉब हो गया, वो मतलब हफ्ते में 40 आवर्स एंड इट पेड वेल, वो था। और एक वहाँ पे ऑटो स्टोर थे जिसमें गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स बेचते थे, अच्छा एड ऑटो स्टोर कहते थे उसको। तो वहाँ पे मैं सेल्स मैन का काम मैंने किया। तो मतलब उन दिनों नया नया कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्शन हुआ था, तो उसकी शिक्षा दी गई मुझे कि अगर कोई आके पूछे तो पहले पूछ लो गाड़ी में कार्बोरेटर है ये फ्यूल इंजेक्शन है, कितने सिलेंडर की कार है, कौन से मेक की है, किस साल की है, क्योंकि उसके अनुसार पार्ट्स बनते हैं। तो उसमें भी मैं कुछ काम करता था वीकेंड्स में, सिर्फ इसलिए कि पैसे बटोर के बाकी 6 महीने में यहाँ पे। तो ये 3 साल किया मैंने दुबे जी, 95, 96, 97। और 97 में मैंने, बहुत कम लोगों को पता है, मैंने हिप्पी पूरे लिखी भी है, आई क्रिएटेड हिप्पी पूरे। तो 97 में डायलॉग स्क्रीन पे, यस यस, और नूपुर जो उसकी डायरेक्टर हैं, मतलब व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड दिस इज, नूपुर वाज इन द कास्ट ऑफ स्टील मैग्नोलियस व्हिच टेरी केंट हैड डायरेक्टेड इन एलएसआर। तो मतलब ये सब हमारे एक ही थैली के दोस्त, रजत कपूर, नूपुर अस्थाना, पार्वती बाल गोपालन, केतन मेहता, दीपा, ये हमारे पहले फर्स्ट सेट ऑफ फ्रेंड्स बने वहाँ पे मुंबई। तो मतलब इनसे पूछ के वहाँ चला गया, वहाँ कुछ थोड़ा काम मिला, कुछ वॉइस ओवर का काम मिलता था। तो हर मतलब हर साल 6 महीने ये करता था मैं, फिर 6 महीने जाके, फिर थोड़े पैसे बटोर के आके, फिर 6 महीने। तो 97 एंड में, बीच में मैंने फायर भी कर ली थी, दीपा मेहता की, हाँ, गाइड का रोल था आपका, हाँ, मतलब शुरू में फिल्म की शुरुआत में, मेरा और नंदिता हम दोनों की पहली फिल्म, हम अभी भी कह रहे हैं हमारे करियर की शुरुआत एक साथ ही, देखो तुम कहाँ पहुँच गई। रंजीत चौधरी से आपकी मुलाकात हुई थी उसी दौर, हाँ, वो पर्ल पद्मसे के बेटे हैं जी। तो मुझे पर्ल नहीं कहा था, क्योंकि ये हमारा नाटक देखने आई थी न्यूयॉर्क में, दैट्स हाउ आई न्यू पर्ल पद्मसे। तो वो नाटक जो था वो विजय तेंदुलकर का शांतता कोर्ट चालू है, जो नाटक खामोश अदालत चालू है, खामोश अदालत जारी है, उसका अंग्रेजी रूपांतर था, एंड आई वाज द ओनली इंडियन इन द कास्ट। ओके। और उस नाटक के जो डायरेक्टर थे ये हमारे डॉक्टर फाली रिचमंड थे। तो वहाँ पे इंडियन नाटक यही डायरेक्ट करते थे, या बाहर से नाटक बुलाना हो तो यही बुलाते थे, क्योंकि मतलब ये मर्मज्ञ थे उस विषय के। तो उसका जब न्यूयॉर्क शोज हो रहे थे उस नाटक के, तो ऑडियंस में पर्ल पद्मसे आई थी, इन्होंने उनको आमंत्रित किया था। तो नाटक देख के वो बहुत खुश हुई, नाटक के बाद जो टॉक बैक होता है उन्होंने बड़ी तारीफ की मेरी, ओनली क्रेडिबल वॉइस आई कुड हियर, लाका जो भी, मेरे दोस्तों ने बहुत बहुत ली मेरी, बहुत मेरी खिल्ली उड़ाई, ये साले एक इंडियन आके सिर्फ तुम्हारी तारीफ हो रही है, हम यहाँ बैठ के केले छील रहे हैं। फिर बैक स्टेज भी आई, फिर उन्होंने कहा यू शुड गो मीट माई सन, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी। मैंने कहा या आई नो रंजीत चौधरी, ऑफ कोर्स। तो मैं रंजीत चौधरी से मिला, वाज़ ही अ बिग शॉट बैक एट दैट, नो बेचारा वो भी वहाँ पे, यहाँ तो मतलब थे जाने जाने माने कलाकार रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे वो भी यू नो ऑडिशनिंग हियर एंड ऑडिशनिंग देयर। तो वहाँ से भी मैं थोड़ा सा प्रेरित हो गया, मैं यार
एक मुझे एक कोशिश करनी चाहिए हिंदुस्तान जाकर। तो फायर हो गई, रंजीत चौधरी से मुलाकात हो गई, फिर हिप हिप हुर्रे जी शुरुआत कैसे हुई? और ये आपने भी जिक्र किया, इसमें भी लिखा है कि आपने उसको लिखा भी जी। तो वही हम सारे दोस्त जो थे स्ट्रगलर ही थे। Somebody is a struggling director, somebody is a struggling actor, somebody is a struggling cameraman. पार्वती और नुपुर ये दोनों केतन को असिस्ट करते थे, केतन मेहता को, और हमारी सबकी दोस्ती एक साथ ही। तो पहले पार्वती ने केतन मेहता के पास छोड़ा, इंडिपेंडेंट हुई। इसके बाद उन्होंने, उनका पहला जो काम था वो था मार्गरीटा। अच्छा, लॉरा एस्क्यूबेल एक स्पेनिश राइटर हैं, इन्होंने एक नॉवल लिखा था जिसपे स्पेनिश फिल्म भी बनी थी, लाइक वाटर फॉर चॉकलेट। ओके, तो उसको हमने कहा कि हम अडेप्ट करेंगे हिंदी में और 13 एपिसोड का एक सीरीज बनाएंगे। बल्कि मैं और पार्वती न्यूयॉर्क भी गए लॉरा एस्क्यूबेल से मुलाकात करने के लिए कि हमें राइट्स दे दें बनाने के लिए। तो मैं उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, हमें बताया गया कि शी एंड हर हस्बैंड हु वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द बुक ऑफ द फिल्म, शी वाज द राइटर ऑफ द फिल्म, तो उन लोगों का सेपरेशन हो रहा था। तो उसका जो राइट्स है, किताब की राइट्स और फिल्म की राइट्स, वो कॉन्फ्लिक्ट में है, कोर्ट में है। तो जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप हिंदी में बना रहे हैं, यू गो अहेड मेक इट, बिकॉज आई डोंट नो व्हेन द वर्डिक्ट वुड कम, सो आई कैन नॉट ऑफिशियली गिव यू द राइट्स टू मेक इट एंड नीदर कैन ही। तो हमने कहा लेकिन हम तो बनाना चाहते हैं, कैन वी एटलीस्ट गिव यू क्रेडिट इन द ऑन द स्क्रीन, लाइक डोंट डू दैट, देन इट विल बिकम अनदर कंटेंशन फॉर, यस, मतलब अभी कोर्ट में है ना केस, तो उसके लीगल हो जाएगा और मामला। तो फिर हम वापस आए, फिर हमने कहा अच्छा बनाते हैं, उन्होंने कहा ही है, उसकी बहुत भर्सना भी की थी हमारी शोभा डे जी ने, मुझे याद है उन्होंने एक इतना बड़ा आर्टिकल लिखा था पार्वती के खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये कैसे कर सकते हैं लोग ऐसा। अब हमने कहा हम किसको किसको, हम जी को समझा दिया हमने कि भाई ऐसा है, उन्होंने कहा है, अब अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो हमें बनाने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है बनाइए 13 एपिसोड, लेकिन नहीं आपको 26 बनाना होगा, 13 में हमारा कुछ मिलने वाला है। वाज इट इन हिंदी? इट वाज इन हिंदी, मार्गरीटा करके। अच्छा, हिंदी में ही टाइटल था। तो हाँ, तो वो मेरा पहला काम था, मैंने और पार्वती ने वी अडॉप्टेड द स्क्रीन प्ले टुगेदर, और उसके डायलॉग्स मैंने लिखे। मिलिंद सोमन का पहला हिंदी सीरियल था। अच्छा हाँ, इसके पहले उसने माउथफुल ऑफ स्काई की थी अंग्रेजी वाला, ये पहला हिंदी था। मिलिंद सोमन थे, राजेश्वरी सचदेव थी, मैं था, कल्पना ये थी, नादिरा जी थी, दी अच्छा। मुड़ मुड़ के ना देख नादिरा जी, उनके साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला मुझे। 26 एपिसोड बनाए थे मैंने। तो इसके बाद जब, और नूपुर आर्या पार असिस्ट में असिस्ट करी थी, चीफ एडी थी कितन की, फिर जब नूपुर बाहर आई इंडिपेंडेंट, तो फिर उनके लिए हमने कहा चलो यार लिखते हैं। था क्या, हम 5 लोग एक ही फ्लैट में रहते थे, मैं, पार्वती, नूपुर, रोहित खन्ना को जानते हैं आप, TV18 वाले। अच्छा हाँ, तो रोहित, मैं, पार्वती, नूपुर और एक चिन्मय खत्री साहब हैं कैमरामैन, जो अब मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, पहले NDTV में हुआ करते थे। वी ऑल वर फ्लैटमेट्स, तो यहीं पे चीज़ें बनती थी। कहाँ पे थे ये सब? ये बैंड्रा में, बैंड्रा हिल रोड पे। तो फिर हमने मुझे याद है 2 कॉन्सेप्ट लिखे थे, एक 2 रूममेट्स को लेकर और एक ये लास्ट ईयर इन हाई स्कूल को लेकर। तो जी को दोनों पसंद आए थे उस समय, मैंने निपुर जी को कहा कि ये कॉन्सेप्ट हैं, हम लोगों ने तैयार किया, अब जाके बेचो यार। सो दे पिक्ड अप हिप हिप हुर्रे एंड देन इट बिकेम अ कल्ट। ये सब मेरा शुरुआती काम ही था वैसे। डीजे बन गए थे आप चैनल? हाँ, वही नौकरी की तलाश में करते करते, पहले हम तो MTV पे भी गए थे, बाकी जितने टीवी चैनल थे, BITV में भी जाके ऑडिशन दे के आए थे, चैनल वी में भी गए, वहाँ भी उन्होंने कहा क्या क्या क्या, तो सब ऑडिशन वगैरह दे के आए, तो वहाँ पे नौकरी तुरंत दे दी उन्होंने, कल से शुरू हो जाओ, हम एक नया शो तैयार करते हैं। MTV वाले ने 1 महीने बाद फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मुझे तो मिल गई है, अब तो आप राइवल चैनल हैं, ठीक है। सब नौकरी ही थी एक एक्टर को। नहीं, एक विनय पाठक द प्यूरिटन अप्रोच की थिएटर करना है मुंबई, कौन जाएगा?
एक इतना साल में पता चल गया ना हाँ कि भाई मतलब अपना पालन पोषण करने के लिए कुछ तो करेगा आदमी. अब एक एक्टर क्या पार्ट टाइम जॉब कर लेगा. True. तो करते भी थे हम. जो तिरपाल होते हैं उसके जिंगल्स भी लिखते थे प्रेस एड के लिए. और सोचिए अमेरिका से आके हम अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करते थे प्रेस एड्स के लिए. कभी टायर के लिए जिंगल लिखा है, कभी तिरपाल के लिए जिंगल लिखा है. तो मिल जाते थे कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 रुपए मिल जाते थे. अच्छा. लेकिन वो काम करने के लिए उन दिनों एक नया टीवी खुला था एलटीवी. तो एलटीवी का पहला प्रेजेंटर मैं था. मैंने 3 महीने काम किया था वहाँ. अच्छा. क्योंकि 2 घंटे आता था सिर्फ शाम को 6 से 8. तो मैं 6 बजे आता था, कहता था आपके लिए आज हम लाए हैं 1 2 3 4 फलाना ढिमकाना देखिए. और जाने के बाद कहते थे 8 बजे आके कहता था बहुत शुक्रिया दोस्तों कल फिर आइएगा 6 से 8. तो ये काम मैंने 3 महीने किया. वहाँ भी वही कि भाई कुछ तो पार्ट टाइम जॉब मिले. फिर पता चला भाई कि जीवन में सब काम जो है बड़ा ही अच्छा. अहम है. ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो येलो. हाँ बोलिए. इसमें भी थे आप. हाँ इस आप इसके लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे सारे जितने पागल दीवाने दोस्त हैं वो सब थे. मैं था, रणबीर था, सुरेश मेनन, गौरव घेरा, पूर्वी जोशी. वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ हमें कुछ भी करने की आज़ादी थी. और ये पता नहीं मुझे अभी सोच के लगता है उस जमाने में हमने इतने ज़्यादा पॉलिटिकल सैटायर मतलब लोगों पे. हमें याद है एक बार कीकू गया एक डॉक्टर के वहाँ, उनको आमिर खान मिल गए. तो आमिर खान ने कहा यार बस करो हो गया, मंगल पांडे कितनी किल्ली उड़ाओगे तुम लोग. बट ही सेड बट आई रियली एंजॉय इट, रियली एंजॉय इट. तो मतलब हम तो किसी पे भी बना देते थे. हमें याद है हमने एक गैग बनाया था जिसमें सोनिया जी और मनमोहन सिंह टेबल टेनिस खेल रहे हैं. और मतलब सारा जो पॉलिटिकल उस समय जो महकमा था, जो परिस्थिति थी, वो हर एक शॉट पे डिसाइड होता था. तो ऐसे कितने गैग्स अरशद सैयद लिखते थे और हम लोग फिर इम्प्रोवाइज करते थे. कितने गैग्स हम फ्लोर पे लिखते थे. तो उस समय हमें मतलब एक दो ऐसे फ़ोन आते थे, शिकायतें आई थी कि भाई बहुत हो गया, थोड़ा ये करो. उस गाने की कैसे तुमने पैरोडी बना दी, परमिशन ली थी कि नहीं. लेकिन मैं ठीक है यार, इस पे जेल भी जाएंगे तो मज़ा ही आएगा. विनय भाई आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था मैं क्योंकि जैसे आपने बताया, आपने पॉलिटिकल सटायर का जिक्र किया, इन सब चीज़ों का जिक्र किया. और मैं अपने आप को छाती पीटने वालों की जमात से दूर रखने की कोशिश करता हूँ कि साहब वो क्या ज़माना था, ये क्या ज़माना. पर इधर पिछले 2-4-5 साल में जिस तरह कॉमेडी हो रही है, एक आप लोगों के काम में एक किस्म की गंभीरता भी थी. राजनीतिक व्यंग करने के लिए बहुत गहरी समझ चाहिए, है ना. हम लोग तो परसाई और शरद जोशी के लेखक चाहिए. हाँ लेखक चाहिए. हाँ, और उसको करने वाले मुझे ये मेरा ये मानना है कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छे लेखन की बहुत सख्त ज़रूरत है. क्योंकि हम कहते हैं कि भाई हम कॉमेडी अच्छा कर लेते हैं, हम ड्रामा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उसको लिख कौन रहा है, इसकी मतलब बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है. कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता है भाई. ये बिल्कुल आपको ग्रज भी सबसे ज़्यादा यही है भारतीय सिनेमा से. अच्छी राइटिंग और स्क्रिप्ट नहीं मिलती जिसका एक्टर इंतज़ार करे, कि आपने कई बार कहा भी. हाँ, अपने हाँ, मतलब ग्रज से ज़्यादा ये अफसोस की बात है. क्योंकि मुझे मेरा ये मानना नहीं है कि हमारे यहाँ प्रतिभावान लेखक नहीं है, ये मैं नहीं मानता. मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत होनहार लेखक हैं, बहुत कमाल के राइटर्स हैं हमारे यहाँ. मेरा जो अभी मुझे समझ आ रहा है, जो मेरा ओपिनियन है कि हमारे शिक्षा के स्तर की वजह से जो हमारा बहुतायत वर्ग है दर्शकों का, वो वहीं तक सीमित है. जो एंटरटेनमेंट आईक्यू होता है ना, जो एक जो क्वोशेंट होता है कि हम मतलब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे जो हैं एक बार लायन किंग देख लें तो वो 21 बार देखेंगे वो, क्योंकि वो बच्चे हैं. क्योंकि उनको एक बार वो चीज़ समझ में आ गई तो वही मतलब एक बार अगर उनको ये टॉफ़ी पसंद आ गई तो वही खाते रहेंगे. अब उनको दूसरी टॉफ़ी की आदत देने के लिए हमें पेरेंट्स को कोशिश करनी पड़ेगी कि अरे बार बार वही क्यों खा रही हो तुम, ये भी तो खा के देखो. नहीं मुझे वही चाहिए. तो वो बच्चे की जिद इसलिए है क्योंकि बच्चा वही जानता है.
बच्चे की समझ उतनी ही है. मुझे लगता है कि हमारे हमारी जो शिक्षा पद्धति है जो पिछले पता नहीं कितने सौ सालों में बदली नहीं है, सिर्फ मतलब कोर्स की किताबें बदल गई हैं, उसको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हमारा जो बहुतायत समाज है, जहाँ तक कला की बात है, जो आर्ट और कल्चर की बात है, वो मतलब उसको अपडेट शायद, मतलब आप हमें बताइए थिएटर देखने वाले कितने लोग हैं, उसको अप्रिशिएट करने वाले कितने लोग हैं. मैंने बहुत पहले कहीं कहा था कि भाई देखो हमारे यहाँ प्रेमचंद भी हैं, हमारे यहाँ गुलशन नंदा भी हैं, गुलशन नंदा की किताबें ज़्यादा बिकती हैं, अभी भी बिकती हैं मध्य प्रदेश में, बिहार में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनकी किताबें अभी भी बिकती हैं, अभी भी बहुत बड़े स्टार हैं वो, जहाँ तक पब्लिकेशन का सवाल है. लेकिन प्रेमचंद की किताबें नहीं बिकती हैं ज़्यादा. तो साहित्य दोनों वहीं पे है, लेकिन कहीं पे गुलशन नंदा पढ़ने वाला जो पाठक है उसको उसको पता है कि प्रेमचंद क्या है. अफसोस मुझे ये होता है कि मुझे लगता है कि आज वो समझ भी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है. आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज. वी नीड टू अप्रिशिएट आवर राइटर्स. लेखकों को उतना आदर मान सम्मान के साथ धन भी उतना मिलना चाहिए भाई, जिसकी वजह से जो भी सफलता है जिस किसी भी कला को मिल रही है, लेखक का योगदान ज़्यादा है. बिल्कुल. आपने एक बार कहा था कि मेरे संघर्ष के दिन ऐसे थे कि उन पर कहानी बनाई जा सकती है. कहानी तो किसी चीज़ पर बनाई जा सकती है. मेरे संघर्ष के दिन जो थे, मैं बस ये जानना चाहता था कि उसमें से कौन सा फेज लेंगे आप. हाँ नहीं, सारे फेज बहुत ही एंटरटेनिंग थे. और मैं कभी छाती पीट के ये नहीं कह सकता कि यार स्ट्रगलिंग डेज में ना. यस, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. यू रियली हेट दिस कि वो उसको बहुत मेलोड्रामा के साथ. हाँ भाई, मैं स्टेशन पे सोया था. अबे यार गाड़ी छूट गई होगी तो सो गए होगे तुम, या फिर ये ज्यादा हो गई होगी, घर नहीं पहुँच पाए होंगे आप तो स्टेशन पे सो गए होंगे. लेकिन अगर वही बात है ना कि अगर मुझे बेचना है तो रस अलंकार छंद का सहारा लेना पड़ेगा. हम अतिशयोक्ति भी कर सकते हैं, हम उसको अच्छे शब्दों में बांध के उस पर कविता भी लिख सकते हैं. अच्छी बात है, अगर कविता बन जाए तो अच्छी बात है. लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा सवाल है, मैं नहीं बेच सकता क्योंकि मुझे पता है वो झूठ होगा. क्योंकि स्ट्रगलिंग डेज में पैसे ना होना इतना बड़ा मतलब कोई दुखद चीज़ नहीं है यार. हमसे ज़्यादा दुखी लोग हैं इस दुनिया में. चलिए दुख से सुख की तरफ आते हैं. भेजा फ्राई की क्या कहानी थी उसके शुरुआत की? बड़ी सिंपल कहानी थी जी. भेजा फ्राई के जो डायरेक्टर हैं सागर बिलारी वो रजत के साथ एक फिल्म में चीफ एडी थे. अच्छा. मिथ्या और उसके पहले एक मिक्स डबल्स करके फिल्म. हाँ, सुनील दोषी ने प्रोड्यूस की थी और वो भी बहुत कम लागत में बनी थी फिल्म. हालांकि भेजा फ्राई से ज्यादा पैसे में बनी थी लेकिन कम लागत में बनी थी. तो वो चीफ एडी थे और शूटिंग के दौरान शायद उनको पता लगा कि ये तो ऐसा सत्यजीत रे फिल्म एकेडमी से पढ़ के आए थे सागर बिलारी साहब कलकत्ता से. हाँ, और वो रजत को असिस्ट कर रहे थे. उनको खुद फिल्म बनाने का बहुत शौक था, गुमान भी था और इच्छा भी थी जो प्रोड्यूसर साहब जानते थे. तो मिक्स डबल्स का जो प्रीमियर था जिस दिन, तो प्रीमियर देखने के बाद रजत ने कहा हमारे घर चलते हैं, वहाँ पे जो भी चाय कॉफ़ी पियेंगे गप्पे मारेंगे. तो प्रीमियर के बाद पार्टी उनके घर पे चली गई. वहाँ पे जोशो खरोश में ऐलान हुआ. सुनील दोषी साहब बहुत खुश थे कि फिल्म का रिसेप्शन बहुत अच्छा है. उन्होंने बोला चलो भाई सागर तुम बनाओ यार तुम अपनी फिल्म. तो सब ने अपना सहयोग दिया. रजत ने कहा चलो मैं प्रोड्यूस करूँगा तुम बनाओ. मिलिंद सोमन भी था पार्टी में, उसने कहा यार मेरे से जो हो सकता मैं करूँगा डोंट वरी. अनुराग कश्यप भी थे उस पार्टी में, कहा कि मैं लिख दूंगा यार तू बना यार. अनुराग शायद मिक्स डबल्स में कुछ लिखा भी था. कुछ ड्राफ्ट उसने लिखे थे. हाँ, तो उसी प्यार उसी मोहब्बत में बनी वो फिल्म. फिर उसने शरद कटारिया के साथ स्क्रिप्ट लिखा और हमने कुछ 19 दिन में वो फिल्म ख़त्म की. ऐसे ही हंसते मजे करते हुए फिल्म रिलीज भी हुई, हंसे मजे करते हुए और हिट भी हो गई हंसी मजाक करते हुए. यही है कहानी. और कुछ मैंने कुछ एहसास रहता है ये कर, जैसे आप हिप भुर्रे कर रहे थे. नहीं रहता यार कि हाँ कि यार ये कुछ कल्ट होने वाला मुझे है. नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, एकदम ही नहीं रहता. पर मजा आ रहा था. मजा आ रहा था. अगर मैं ये कहूँ तो मतलब गलत कहूँगा कि करते हमें लगा कि कुछ तो हम स्पेशल कर रहे हैं. ये कहने वाली बात है, कसम से नहीं लग रहा था.
अच्छा हाँ, कई ऐसी फिल्में जिसका कुछ नहीं हुआ उस समय, बहुत लोगों ने कहा लगता कि ये तो मतलब गुरु तो मैं थोड़ा सिनिकल किस्म का आदमी हूँ, कुछ नहीं लग रहा था, यही लग रहा था कि हम मुझे कर रहे हैं। और हम दिल दे चुके सनम का अनुभव पहली फिल्म थी, बहुत ही अच्छा अनुभव था भाई, बहुत ही अच्छा। मैं था, अतुल था, केनी देसाई थे, अनिल मेहता साहब कैमरामैन थे, उनसे हमारी दोस्ती वहाँ पहली बार हुई, शीबा चड्ढा थी, परेश मोकाशी था जिसने हरिश्चंद्रा से फैक्ट्री बनाई बाद में, वो भी हम सब एंसेंबल एक्टर में हम सब यही थे, तो हम तो भाई हीरो। और ये जो बड़े हीरो हीरोइन होते थे ऐसे सलमान ऐश्वर्या, हाँ हम लोग दूर से देखते थे इनको कुछ ऐसे हेलो हाय नहीं 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 थी, दोस्ती थी, अच्छी थी काफ़ी, एक साल शूटिंग की भाई हमने, तो आपस में बहुत मोहब्बत थी, यू नो लॉट्स ऑफ वार्म्थ बिटवीन अस एंड इवन लेटर, इसके बाद मैंने एक और फिल्म की सलमान के साथ, हर दिल जो प्यार करे, हाँ तो मतलब दैट वार्म्थ एंड दैट हैजंट डिमिनिश्ड, दैट्स आई विल क्लेम। और वो ऐश्वर्या राय सच्ची मुच्ची में उतनी सुंदर है जितनी पर्दे पे दिखती है? हाँ भाई बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भी हैं, बहुत बुद्धिमान भी हैं। अच्छा हाँ, और हमारे साथ तो पहली बार मतलब हमने काम किया तो ऐसा नहीं लगा कि, चूँकि हमें लगता है कि हम इतने थिएटर के हरामी वाले लोग थे ना कि अगर ऐसा बर्ताव हुआ भी होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। कुछ आपकी फिल्में हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, आप उनका कोई एक अनुभव बताएं। एक फिल्म है जॉनी गद्दार, जी जॉनी गद्दार, मतलब उसमें जब वो अपनी पत्नी बोलते हैं यार पैसे दे दे, मतलब वो बड़ी एफर्टलेस सी उसकी वो निरीता दिखती है। आपको मैं जॉनी गद्दार का आपने जिक्र किया बताना चाहूँगा, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं श्री राम राघवन जी, और मैं श्री राम को ये भी कहता हूँ कि मैं तुम्हारी फिल्म के लिए कुछ भी करूँगा, क्योंकि ये और जैसे रजत कपूर भी हुए, सौरभ शुक्ला हुए हमारे दोस्त हैं, बट श्री राम हैज़ दिस टैलेंट कि वो एक स्क्रिप्ट ना वो 3 साल लिखता है तब जाकर पिक्चर बनाता है वो, तो सोचिए कितने ड्राफ्ट लिखता होगा वो, और इसके बाद डायलॉग्स के भी ड्राफ्ट होते हैं, मतलब डायलॉग राइटर ये वो, और इसके बाद जब फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे कहता है कि चलो क्या करें, क्या 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 करें बताओ, ओके करना क्या है यार, पहले दिन मुझे याद किया आई नो माई लाइन्स यार, सो यू टेल मी, यार लाइन्स का छोड़ो ना यार, वो तो लिख दिया गया और क्या कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो खुद अंत तक उसको वो अपग्रेड करता रहना चाहता है, वो बंधता नहीं है, अगर जो लाइन वो 3 साल से लिख रहा है उसको मैंने सेट पे जाके अगर बदल दिया ना तो उसको ज़रा भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि इफ़ ही सीज दैट इट फिट्स देन दैट इज़ बेटर विच वर्क्स। तो इतनी स्वतंत्रता देते हैं ना श्री राम राघवन हमें, और उनकी मतलब मैंने 2 फिल्में की हैं, बदलापुर और जॉनी गद्दार, और तीसरी वाली मैं नहीं कर पाया क्योंकि कुछ डेट के प्रॉब्लम हो गए थे, लेकिन मैं उनकी हर फिल्म में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे याद है बदलापुर में लिफ्ट वाला सीन था, तो उसमें डायलॉग तो थे ही नहीं, क्या भाई कैमरा लगा दिया आप लिफ्ट में हैं, फिर वो आता आप देखते हैं अरे ये है ये चला गया, मतलब 50 सेकंड का सीन होगा मुश्किल से, उसका एक टेक हुआ इसमें ऐसे करें, फिर उसका दूसरा टेक हुआ, फिर अनिल मेहता साहब करें कि ये कैसा करते हैं, लाउड हो जाएगा अच्छा ठीक है वो करें, फिर 5वीं बार मैंने कहा यार एक मेरे तरफ से करने दो, हाँ ठीक है चल वो भी करना, फिर वो हो गया अच्छा एक और करने दे इस बार ना, मैं वो 10 बार अगर आप चाहें ना तो वो 10 बार करने के लिए तैयार रहता है वो आदमी, क्योंकि कहता है कि अंत में भाई मतलब काटना तो मुझे ही है, लगाना तो मुझे ही है, तुम मतलब पेट भर के जो तुम्हें करना है वो कर लो, वो स्वतंत्रता देते हैं वो, और फ्लोर पे जाके मतलब ये तो सृजन करने हुई बात हुई ना भाई कि 3 साल से तो वो लिख रहे हैं लेकिन हमने जाके अगर कुछ और क्रिएट कर दिया तो उसका आदर तो उसको दखल की तरह नहीं लेते, हाँ नहीं लेते हैं। मनोरमा 6 फीट अंडर, नवदीप सिंह अगेन, उसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा, और मैंने उसको कहा था कि यार मैं बिहारी आदमी हूँ, हरियाणवी का रोल क्यों दे रहे हो तुम, अरे नहीं नहीं यार करते हैं ना करते हैं ना, तो उनका भी है कि रिकॉलिंग योर कैरेक्टर नेगेटिव, मतलब थोड़ा अग्रेसिव था। अच्छा हाँ भाई वो तो मतलब जो विलन था उसका आदमी था, आपने अगर पूरी फिल्म देखी हो तो। नहीं नहीं देखी है वो, हाँ, तो हाँ, देखनी पड़ी क्योंकि उसमें नायिका रोहतक की है और मेरी नायिका भी रोहतक की है, तो डंडा लेके दिखाई गई थी, बड़ी डार्क और ट्विस्टेड सी फिल्म, बहुत लिखी बहुत अच्छे से, हाँ तो नहीं नवदीप मुझे बहुत पसंद है, और समथिंग कहाँ क्या कहाँ कहाँ शूट किया इसको हमने,
राजस्थान में किया झुंझुनू के पास. 80-90% ऑफ द फिल्म वाज शॉट देयर. मंडावा, खास मंडावा से थोड़ी सी दूर एक रिजॉर्ट था, सारा मंडावा. अच्छा, ये इन फिल्मों के बारे में पढ़ के जान के लगता है कि आप लोगों को पूरी स्क्रिप्ट मिलती होगी. हमने वो दौर भी सुने हैं जब उसी दिन वो डायलॉग राइटर बैठा होता, हाँ भाई ये दो शॉट लिख के दे. मैंने, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरे आने के बाद, मैं 95 में आया, मैंने आज तक वैसी फिल्म नहीं की है यार. ये मैं भी कहानियाँ ही सुनता हूँ. हाँ, कि स्क्रिप्ट ही नहीं है. मुझे एक दो बार ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट देने से इनकार किया गया कि अरे बाद में, तो मैं नहीं करता हूँ चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म. मुझे मतलब, अगर आप जिस एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं उस पे स्क्रिप्ट का विश्वास नहीं है तो भाई हमको इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल नहीं होना है. मतलब क्या बम बना रहे हो क्या हैं? कि इसका फॉर्मूला कोई और लेके चला जाएगा? सब लोग तो एक ही जैसी पिक्चर बना रहे हैं यार, उसमें हम भी छुपा लें. रहने ही दो यार फिर. अच्छा, खोसला का घोसला. खोसला का घोसला और आपका वो ऑटो. हाँ, खोसला घोसला अगेन दिवाकर बैनर्जी. अगर आप देखें तो मतलब मेरी ज़्यादातर फिल्में, 80% फिल्में जो हैं वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ हैं. हाँ, मेरी बड़ी पट्टी है उन लोगों से, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं भी अभी फर्स्ट टाइमर ही हूँ. तो दिवाकर बैनर्जी के साथ मैं एक ऐड कर चुका था शायद. अच्छा, पहले. हाँ, तो इसके बाद जब वो फिल्म आई तो मुझे दूसरे रोल के लिए उन्होंने, खुराना के लिए ऑडिशन. हाँ, आपने खुराना कैरेक्टर पढ़ा था पहले. हाँ, तो मैंने कहा कि खुराना बोल ले, नाम बदल देना यार थोड़ा इसको, मतलब बिहारी लोग भी होते हैं हरामी, एक बार वो भी विलन तो ला के देखो. तो मैंने उसको पढ़ा ही था, नॉर्थ इंडियन, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गोरखपुर, पूर्वांचल वाला फील देते हुए. बिल्कुल. तो फिर वो चले गए, फिर मतलब उस समय शायद परेश जी करने वाले थे रोल. फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमने बमन को किया है, लेकिन आपने जो ऑडिशन किया था उसको देख के हम लोगों ने एक और रोल लिखा है. हाँ, मतलब आसिफ का रोल खास तौर पे आपके ऑडिशन की वजह से डेवलप किया गया. डेवलप किया गया और आसिफ को बनाया गया पूर्वांचल का. मैंने कहा ठीक है भाई, काम जिधर से आ जाए. तो उसका भी यही एहसास है कि हम दिल्ली में पहली बार 1.5 महीने रहे हैं लगातार, और मतलब एक परिवार की तरह ही. इसका श्रेय मैं अनुपम जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबको एक साथ लेके, साथ में खाएंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में खेलेंगे. लूडो खेलना है, ताश खेलना है, स्पेलिंग गेम खेलना है, साथ में रात का खाना खाएंगे, साथ में हैंग आउट करेंगे, साथ में चिल्लपों जो भी करनी साथ में करेंगे. सो दैट वन मंथ ही एक्चुअली ही शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर क्रिएटिंग दैट एनसेंबल दैट फेल्ट लाइक अ फैमिली. ये तो अनुपम जी का मानना पड़ा. अच्छा, मैं आपकी कुछ अच्छी फिल्मों का जिक्र करना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं जिस्म के बारे में बात करना चाहता हूँ. जिस्म जी, जिस्म का भी ट्रिविया ये है कि जिस्म में मैंने जो रोल किया है वो पहले बमन करने वाले थे और मैं जो रोल करने वाला था वो बाद में रणवीर ने किया. तो अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो रणवीर के कैरेक्टर का नाम ही है विनय, क्योंकि फिर बाद में उनका भी क्या मतलब, रणवीर कर रहा है ना तो चलो विनय रख देते हैं ऐसा. तो हाँ, पूजा हमारी दोस्त हैं और वो प्रोड्यूस कर रही थी ये फिल्म पहली बार. जो DOP थे उसके, वो तीनों दिल्ली वाले थे. DOP थे. हाँ, और था क्या फिल्म में? और हम पौंडीचेरी में थे और दोस्तों के साथ फिल्म कर रहे थे. दो नए स्टार थे उसमें, पासा बासु पहले से स्टार थी, जॉन की पहली फिल्म थी. तो भट्ट साहब रहते थे हमेशा सेट पे, किससे कहानियाँ, गज़लें, कविताएँ कभी गा के सुनाते थे, कभी एनेक्डोट सुनाते थे. तो उस फिल्म को बनाने का जो की जो याद है बड़ी अच्छी याद है मेरे जहन में. यूजी कृष्णमूर्ति पर भी बात करते थे कि नहीं भट्ट साहब? बिल्कुल, खूब बहुत कुछ सीखा मैंने भट्ट साहब से. एक आपकी विनय साहब फिल्म है जिससे लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ी फील गुड सी फिल्म है, दस विदानिया. जी, दस विदानिया मेरी पहली फिल्म बतौर निर्माता है. जी. क्या हुआ कि मेरे दोस्त हैं शशांत शाह साहब, तो जब भेजा फ्राई हिट हुई तो अचानक ऐसा लगा कि मीना बाजार खुल गया मेरे आमने सामने. हर कोई मेरे साथ फिल्म बनाना चाहता था. मेरे एक डायरेक्टर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यू शुड नो हाउ टू कैश इट. मैंने कहा भाई मैं वो कभी नहीं सीख पाऊँगा,
कि मतलब मुझे जो लोग लेके आ रहे हैं, मुझे लोग पैसे लेके आते थे यार, कैश भी और चेक भी, और बोलते थे पिक्चर बना लेंगे आप पहले ये ले तो लो, रखो तो सही। हाँ, और वहाँ पे मैं, मुझे मेरे पिताजी याद आते थे, ना भाई स्क्रिप्ट पढ़ा दो पहले, स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तो ले लूँगा यार, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। तो दस, तो फिर मेरे जो दोस्त थे जिनके साथ मैंने एक छोटी सी कंपनी खोली थी, शशांत शाह, वो भी डायरेक्टर हैं, मैंने कहा यार शशांत कमाल ही है यार, मतलब सारी दुनिया फिल्म बनाना चाह रही है मेरे साथ और आप ऐसे ही बैठे हुए निरीह मूक, समस्या क्या है? अगर अब नहीं बनाएंगे आप अपनी पहली फिल्म तो कभी नहीं बनाएंगे आप अपनी पहली फिल्म। मैंने कहा बात तो यार बड़े पते की, हम कहते जल्दी कीजिए, हमारा ग्रुप क्या कर रहा है फिर। तो फिर अरशद सैयद आए जो कॉमेडी में लिखते थे, हाँ उसके लिखते थे, उन्होंने कहा मेरे पास है एक फिल्म की कहानी, फिर उस पर काम शुरू हुआ। पहले वो कॉमिक डुओ पे फिल्म थी, वो मुझे और रणवीर को कह रहे थे कि आप होंगे, फिर उस पर डिस्कशन हुआ कि नहीं इसमें एक महिला और एक पुरुष होना चाहिए। तो ड्राफ्ट हुआ, फिर गुनीत मोंगा आई एज ए को प्रोड्यूसर, फिर हम सब ने मिल के उन्होंने कहा डोंट वरी मैं लेके आती हूँ फाइनेंशियल प्रोड्यूसर, फिर उन्होंने वन मोर थॉट को पकड़ा। तो मतलब अगेन प्यार मोहब्बत में बनी गई। वो क्या है ये हुनर गुनीत मोंगा में मैं लेके आती हूँ, मतलब ये तो उसमें बहुत, शी इज अ वंडरफुल पीपल्स पर्सन एंड इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर दैट वे, कि कहाँ से किस चीज़ की योजना बनानी है, वो योजना बनाने में। मैं पहली बार गुनीत से मिला, यहाँ पे एक फिल्म कर रहा था मैं, कैनेडियन फिल्म जिसकी वो प्रोडक्शन असिस्टेंट हुआ करती थी। अच्छा, तो मुझे याद है चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे हम, सारे कैनेडियन एक्टर्स थे, डायरेक्टर भी मैं और दो तीन और लोग थे इंडियन यहाँ पे सिर्फ। गुनीत मोंगा सेकंड असिस्टेंट हुआ करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि सारी मतलब समस्या का समाधान ये लड़की करती, मतलब डायरेक्टर भी गुनीत मोंगा की तरफ देखते, यार दैट डिडंट हैपन सर टू मिनट्स, वो कभी ना नहीं कहती थी। मैंने कहा यार तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मुंबई आओ, मैंने मजाक में कहा था। फिर उसने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की थी सुभाष कपूर के साथ। अच्छा, ये LLB वाले, जॉली LLB वाले, हाँ, इनकी पहली फिल्म जो इन्होंने बनाई थी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स पे। कौन सी थी? रिसर्च में छूट गया होगा, लेकिन रिसर्च विनय पाठक पे हुई है, सुभाष पे नहीं। मैं भी था उस फिल्म। अच्छा, हाँ मैंने भी एक गेस्ट अपीयरेंस किया था उसमें। अच्छा, अच्छा। संजय सूरी थे, मिलिंद सोमन थे, दोनों कोच बने थे। और वो इन सब लोगों से प्रभावित होके, वीरेंद्र सहवाग, धोनी की मतलब टीयर टू टीयर थ्री सिटीज से जो लड़के आ रहे हैं, जो बी टाउन से भी लड़के जो आ रहे हैं उनमें भी टैलेंट है और उनका क्या संघर्ष है, ऐसे करके वो बनी थी एक फिल्म। अच्छा, और चलो दिल्ली जी, इसके बारे में बताइए। चलो दिल्ली शशांत शाह की दूसरी फिल्म थी, वो सेम टीम अरशद सैयद ने लिखी। चलो दिल्ली के बारे में मैं कह रहा था, मैं दसवीदानी में कहा ना कॉमिक डुओ की फिल्म थी ये, चलो दिल्ली की बात है। तो चलो दिल्ली के समय हुआ क्या था कि थोड़ा वो रिसेशन टाइप चल रहा था, थोड़ा तो क्या पूरा ही चल रहा था उस टाइम तक। तो हमें एक प्रोडक्शन हाउस ने साइन किया, उन्होंने कहा कि हीरोइन लेके आओ, हमने बिपाशा बासु को साइन कर लिया था, तो ठीक है हम बनाएंगे। वो स्क्रिप्ट और प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पे 6 महीने बैठ के अंडे देते रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। जब वापस हमने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, वो नहीं बना पाए, तब तक बिपाशा जी के डेट जा चुके थे। तो हम फिर से फ्रेश स्ट्रगल स्टार्ट हुआ हमारी कंपनी से। फिर हमने कहा कि लारा से पूछते हैं, अगर वो रोल करेंगी तो हम फिर प्रोड्यूसर खोजेंगे। तो लारा ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने कहा तो बहुत ही कमाल है, लेट मी स्पीक टू महेश। फिर उन दोनों ने हमें ये प्रस्ताव दिया कि ये फिल्म अगर हम प्रोड्यूस करें। तो हमने कहा कि भाई देखो क्या होता है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही आई होगी हमारे देश में फिल्म बन रही है, बना दो यार, क्योंकि फॉर अस फिल्म वाज मच बिगर देन ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, एंड दे वर वंडरफुल प्रोड्यूसर्स, दे स्टिल आर वंडरफुल प्रोड्यूसर। तो बहुत ही प्यार से फिर हीरोस भी जुड़ गए उसमें, बट महेश सेट पे आता था यार, मतलब हम चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं, सॉरी राजस्थान में शूट कर रहे हैं, झुंझुनू में शूट कर रहे हैं, अलसेसर में शूट कर रहे हैं, वो ठंड में आ जाता था 2 दिन के लिए कि क्या चल रहा है शूट, कभी ज़रूरत पड़ती थी तो। ही वॉज अ हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर दैट वे।
तो भी प्यार मोहब्बत बन गई वो भी फिल्म। गौर हरी दास्तान इसका श्रेय अनंत महादेवन को जाता है। 2006 में एक फ्रंट पेज स्टोरी छपी थी मुंबई मिरर पे गौर हरिदास जी के बारे में, जिन्होंने कुछ 30 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार अपना सर्टिफिकेट सरकार से लड़के ले लिया था। तो वो जब कहानी छपी तो इनको पसंद आई वो कहानी, वो लेके वो दास जी से मिल भी आए और उन्होंने कहा कि हम अगर आप अनुमति दें तो हम आपके इस संघर्ष पे फिल्म बनाना चाहते हैं कि एक आदमी जो 14-15 साल का था स्वतंत्रता संग्राम में और हक से उसको मिलना चाहिए स्वतंत्रता सेनानी का जो दर्जा देती है सरकार, और वो उसने कभी नहीं लिया। लेकिन जब बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था तो बेटे ने कहा कि कैसे हैं आप, फलाना फ्रीडम फाइटर के बेटे को कोटा में मिलता है और आप कह रहे हैं, तो बेटे के एडमिशन के लिए वो पहुँचे और वहाँ पे पता लगा कि आपका तो कोई वजूद ही नहीं है। तो उनका ये था कि मुझे अचानक ऐसा लगा कि मतलब पहचान ही मिट गई हमारी, मैं कौन हूँ, मेरे लिए वो पहचान ही मिट गई। तो उन्होंने फिर ये ठानी कि अब तो ये मैं लेके रहूँगा, आपको कौन सा पेपर चाहिए, क्योंकि जो हुआ है तो वो हुआ ही है। तो ये स्क्रिप्ट लिखी आप पता ही है हमारे CP सुरेंद्रन साहब ने, उनका स्क्रीन प्ले था, अनंत महादेवन साहब ने डायरेक्ट किया और मैंने दास जी के साथ बहुत समय गुजारा। मेरे लिए मतलब गोइंग बैक टू स्कूल टाइप हो गया कि उनका फ्रेम हम कैसे बनाएं, क्योंकि वो थोड़े दुबले पतले थे तो उसके लिए 6 महीने पहले से मशक्कत शुरू हुई, फिर बाल छिलवाए गए, उनकी थोड़ी सी भाव भंगिमा कैसे बोलते थे, मतलब 80 साल के थे तो मैं कोंकणा रणवीर हम सब जुड़े थे उस फिल्म से, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। एक इस सूची में आखिरी नाम टोबा टेक सिंह। हाँ, केतन मेहता हमारे दोस्त रहे हैं, आपको तो पता है संघर्ष के ज़माने से, इनके साथ काम हमने कभी नहीं किया था, कभी ऐसा मौका बना नहीं। तो ये जी की तरफ से एक ऐसा सुगल चला था कि हम हमारी इतनी साल की जो तारीख है, जो इतिहास है दोनों देशों का, पाकिस्तान का, तो दोनों ने मिलके कुछ ऐसा एक पीस समिट टाइप, ये 3 फिल्मकार आपके यहाँ के होंगे, 3 फिल्म मेकर हमारे यहाँ के होंगे और हम पार्टीशन को लेके, नेशनल इंटीग्रेशन को लेके एक उस सब्जेक्ट को लेके फिल्में बनाएंगे। तो हमारे यहाँ से केतन मेहता, आई थिंक हंसल मेहता और शायद अपर्णा सेन ने भी एक फिल्म बनाई थी, अच्छा उनके यहाँ से भी 1-2 फिल्में बनी थी। तो ये उस तहत बनी थी, केतन सेड आई वॉन्ट टू मेक टोबा टेक सिंह, वुड यू प्ले टोबा टेक सिंह। मैंने कहा यार कमाल यार, टोबा टेक सिंह तो हमारा बहुत ही, लेकिन ये 3 पेज की कहानी को आप 1 घंटे की फिल्म कैसे बनाओगे। तो फिर रंजीत कपूर साहब हैं, इन्होंने भी एक ड्राफ्ट लिखा उसका, फिर मंटो की और कहानियों को उसमें हमने किसी तरह से, हमने नहीं, केतन ने और लेखकों ने, टू मेक इट अ प्रॉपर डिटेल्स लाने के लिए। फिर उस जब वो जो फाइनल स्क्रिप्ट लिखी गई उसमें मंटो का किरदार भी आ गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में कहानी थी। तो फिर पंकज कपूर साहब को उन्होंने अप्रोच किया टोबा टेक सिंह के लिए, मुझे कहा कि तुम मंटो का रोल कर लो। वो भी यहाँ पे बस्सी पठाना करके एक जगह है पंजाब में, मोहाली से थोड़ी सी दूर, वहाँ पे एक पुराना जेल है जिसको सेट बनाया गया, वो अभी भी लगता है कि 1947 का ही है। और वहाँ पे हमने केतन के साथ पहली बार, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पंकज जी से मिला, तो पंकज जी मैम ये बहुत धन्यभाग हमारे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, धन्यभाग तो हमारे केतन के साथ पहली बार मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज़ उनके लिए भी यही ख्वाहिश थी कि केतन के साथ, क्योंकि नसीर ने बहुत काम किया केतन के साथ। पंकज जी कह रहे थे कि मेरी तो तमन्ना थी कब इस आदमी के साथ मैं काम करूँगा, ये मिर्च मसाला बनाता रहा, वो नसीर काम करता रहा, तो मेरे साड़ू गुजारा काम करता रहा। तो वो एवरीथिंग वॉज आउट ऑफ लव। फिल्म के सिलसिले में आखिरी फिल्म जिसका अभी आप शूट पूरा करके आए हैं, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है जी, बड़ी लंबी स्टार कास्ट है, मतलब मुझे खैर कहानी भी थोड़ा सा अंदाजा है क्योंकि गौरव हमारा दोस्त जुड़ा हुआ है उससे, विनय पाठक, सौरभ शुक्ला, पंकज त्रिपाठी, कुमुद मिश्रा, मनोज पावा,
ऋचा चड्ढा, पवन मल्होत्रा, दिव्या दत्ता, दिलीप प्रभावलकर जी, प्रतीक बब्बर, साइरस बरोचा, श्रेया जी, ये तो सारे अच्छे एक्टर हैं। हाँ, एक्टर तो हैं ही सारे अच्छे, लेकिन जो कहानी लिखी है बड़ी, वो पल्लव सिन्हा डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, पागलपन वाली कहानी है, स्क्रिप्ट बड़ा। मैं जब उन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन करके, मैं चेन्नई में नाटक कर रहा था, तो उन्होंने कहा भाई फ़ोन करो। मैंने फ़ोन किया कि अच्छा तुम नरेशन सुनोगे, स्क्रिप्ट पढ़ना चाहोगे? मैंने स्क्रिप्ट ही भेज दो भाई, और उन्होंने पलक झपकते ही स्क्रिप्ट भेज दी। हाँ, मतलब ऐसे फट 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 में हुआ। फिर मैं वहाँ पहुँचा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे स्क्रिप्ट में मतलब क्या है, तो इतने सारे किरदार हैं, आप क्या देने वाले हैं मुझे ये भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये तो हो गए हैं, ये मनोज पावा हैं, ये का रोल ये कर रहे हैं, ये का रोल पंकज त्रिपाठी, ये का रोल ये का रोल ये। मैं कहता फिर बचा क्या हमारे लिए, बल्कि ये दो रोल है, दोनों में से चुन ले। मैंने कहा दोनों में से आप जो दे दो। बोले नहीं नहीं नहीं, दोनों में से। हम कहे आप जो दे दो दोनों में से। बल्कि इतना, हाँ इतना, क्योंकि एक तो हीरो टाइप का रोल है और एक तो मतलब ऐसा बुरा टाइप का रोल है। हम कहे जो मन आप दे दीजिए आप। तो उस पर भी चली कुछ एक डेढ़ हफ्ते कि ये भी लिख रहा हूँ, मेरा थोड़ा मन उधर है। मैं क्या, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, जो मन दे दो आप। तो फिर उन्होंने किरदार निकाला हमारे लिए, और जो दूसरा रोल था वो प्रतीक बब्बर ने किया। बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया। अभी मैं आपके को स्टार्स का जिक्र कर रहा था, और उसी में जिक्र आया था पंकज त्रिपाठी का, लल्लनटॉप के और दोस्त जी। बहुत पसंद करते हैं आप पंकज जी? हम बहुत पसंद करते हैं पंकज को। मिथ्या में एक बहुत छोटा सा रोल किया था पंकज ने। अच्छा। रजत कपूर की फिल्म थी, और मिथ्या में एक लास्ट सीन है कि उसकी लाश जो है वो समंदर में बहाना है, हीरो है उसकी लाश जो है, और हीरो है या हीरोइन है शायद, आई थिंक नेहा का था, और एक जो स्टीमर बोट पे बैठा है आदमी, वो पंकज ने किया था, वो एक आधी लाइन थी उसकी, लेकिन कितनी संजीदगी थी और कितनी मोहब्बत है यार उसके चेहरे पे, उसके चेहरे पे शिकन नहीं नज़र आती। हाँ। और सहजता जो है वो मुझे लगता है कि उसको विरासत में मिली है, वो कोई भी चीज़ सहजता से बोल सकता है, सहजता से महसूस कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है वो एक्टर। और कहीं तो एक धरती की महक है उसमें शायद, इसलिए भी मैं गोपालगंज साथ चलता हूँ। जी बिल्कुल, गोपालगंज में मेरे नाना DM हुआ करते थे। हाँ। तो हमने बोला उनको एक दिन, और फिर हम दोनों की भाषा भी एक है। पहले जब मैं पहली बार संजय मिश्रा से मिला, तो संजय मिश्रा भी, लेकिन संजय मिश्रा हमारी भोजपुरी नहीं बोलते हैं, वो हाजीपुर के हैं, उनकी भोजपुरी दूसरी है। चलो ठीक है भाई, ठीक है। तो उनका नाम हमने मिश्र जी बहुत पहले से रखा हुआ था। खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बनाते हैं। लिट्टी बहुत अच्छा बनाता है वो। अच्छा, लिट्टी नहीं? अरे महाराज, उनका लिट्टी ज़्यादा अच्छा है खिचड़ी से। हाँ, संजय मिश्रा का ना। हाँ हाँ, लिट्टी बहुत बहुत मतलब जबरान लिट्टी बनाते हैं वो, बघेरी वाली भी बनाते हैं। अगली बार घेरा जाएगा जब दिल्ली में। हाँ, बिल्कुल घेरा जाएगा। अच्छा, चलिए मैंने सब जान लिया। एक चीज़ जो दर्शकों को आपके बारे में ज़रूर जाननी चाहिए, ये विनय का ग्रीन टी से जो इश्क है, इसके बड़े किस्से मशहूर है। कोई स्क्रिप्ट रीडिंग हो रही है तो विनय पाठक के झोले से ग्रीन टी का फ्लेवर निकलेगा, कुछ डायलॉग्स चल रहा है, नरेशन चल रहा है, तो विनय पाठक चौके में पानी गरमा रहे हैं और ग्रीन टी का दूसरा फ्लेवर चलेगा। यार क्या है कि मुझे चाय और कॉफ़ी की लत कभी लगी नहीं, और जब हमने काम शुरू किया ना, तो देख के लगता था कि कुछ एक लत आनी चाहिए आपको, क्योंकि हर आधे घंटे पे स्पॉट बॉय आके एक चाय चला के जाता था। तो हाँ यार, चाय चाय, एक सीन क्या चाय चाय, जिसको सिगरेट की लत है चाय। यार मैं तो कुछ पीता ही नहीं हूँ, बड़ा ही अहमक किस्म का इंसान हूँ मैं। फिर मुझे ग्रीन टी इसलिए भी पसंद है कि उसके मतलब अलग अलग तरह के, जब मैंने पीना शुरू किया। हाँ। तो पता लगा कि भाई ये अच्छी वाइन पीने जैसा ही है ग्रीन टी। ऐसा? जी, कहीं कहीं तो ऐसी चाय मिली मुझे कि वो वाइन से भी ज़्यादा महंगी चाय। मैंने कहा यार महंगे शौक नहीं पालना चाहता मैं, अच्छे शौक पालना चाहता हूँ। और उन दिनों हुआ क्या था, भेजा फ्राई के बाद मुझे जो दूसरा रोल दिया गया था, उसमें मेरे डायरेक्टर ने, नाम नहीं लूँगा, कहा था कि कम से कम 25 किलो वेट लूज़ करना होगा। तो मुझे लगे कुछ 8-10 महीने लगे, एक साल लग गया था। तो ग्रीन टी हैड बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, कि भाई पेट भरा रहे एवरी मील। हाँ, इस दरिद्र को फिर से भूख ना लग जाए, तो ग्रीन टी तब से वही रह गया, बाकी सब निकल गया। बाकी सब निकल।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद विनय पाठक जी, इतना झेला आपने हमें। नहीं नहीं झेला नहीं, ये बहुत बहुत हम लोगों की, आपको ईमानदारी बताया, 2.5 बरस हो गया ललन टॉप को शुरू किए। जब शुरू किया था तो एक सोचा था कि कैसा होगा ललन टॉप, तो उस ख्वाब में एक रंग ये भी था कि जिन लोगों को हम एक्टर्स मानते हैं, हीरो हीरोइन नहीं, उसमें तो एक अलग ही किस्म का वायरीपन होता है। जिनको देखते हैं, सराहते हैं, कभी मौका मिले तो उनसे बहुत तसल्ली से बात हो, उनकी छांव में बैठें और सुने, और ये आज की बातचीत ऐसी कुछ थी। इसलिए हम आपको बताते हैं, पहली बार हमने ललन टॉप कब देखा, कहाँ देखा। तो ऐसे जब ललन टॉप नेट पे ही कहीं था, तो मेरा जो पहला इम्प्रेशन था कि भाई कोई तो फकैती कर रहा है हमारे यहाँ का, ये पहला मेरा मतलब जो था फर्स्ट इम्प्रेशन। तो बहुत सारे लोग करते भी हैं फकैती, मैंने कहा कुछ भी बना दिया होगा, अच्छा देखते हैं क्या है। सो आई टेल यू व्हाट रियली गॉट मी अट्रैक्टेड टू इज इट द वॉइस ऑफ डिसेंट, जो बहुत कम लोग अच्छे तरीके से एक शील मर्यादा के साथ कह पाते हैं। उसमें आपकी छाती ठोकने वाली बात हो ना हो, वो अग्रेशन हो ना हो, लेकिन जो बात है, जो वॉइस ऑफ डिसेंट जो अपने आप में एक साहित्य है, वो उसको आप मर्यादा तहत कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कह सकते हैं, और शील भंग ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। साहित्य में भी हमें पढ़ाया जाता है कि मतलब एक साहित्य में और पोर्नोग्राफी में है एक अंतर, और अच्छे साहित्य में भी बातें होती हैं जो बात पोर्नोग्राफी में हो सकती है, लेकिन साहित्य का शील होता है और वो लेखक को पाठक को समझने की ज़रूरत है। तो वो ललन टॉप देखने के बाद मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं हमेशा आपसे मिलना चाहता था। मेरा सौभाग्य पिछली बार खजूर के तहत मिल सका मैं आपसे। हाँ, आपसे हर्ष है। बहुत सर सर, बड़ी शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं dlallantop.com, जो ऐसे ही अपनी क्षमताओं भर कोशिश करता रहेगा चौचक एक्टर्स को, राइटर्स को, और समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े, विधाओं से जुड़े लोगों को अपने मंच पर लाने का, और उनसे तसल्ली से बात करने का, ताकि आप भी उनके ज्ञान और उनके अनुभव से, ये आपके एनर्जी का स्रोत है जी, समृद्ध हो सके। देखने से लग रहा होगा कि आपको मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ, लेकिन ठीक है। पानी ही बहुत अच्छा पानी है भाई, बहुत अच्छा पानी है। दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक तो गिलास दे दो भाई हमें भी। आप देख रहे हैं dlallantop.com, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए विनय पाठक की से जो हमारी ये बातचीत हुई उसके बारे में आपकी क्या राय है। और अरे झूठा अपने लोग ही होगा भाई, क्या तो पानी है, मैं बता रहा हूँ, मैं जरा गिलास खोज रहा हूँ, एक कप मिल जाए, ऐसा पानी पिएगा कोई तो कैसे कर सकता है असफल काम, है ना भाई, कोई कप दे दो हमें। ठीक है दुबे जी, बढ़िया है, थोड़ा दाल ऊपर से बनाइए ताकि भरम दूर हो जाए। अरे नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा पानी है भाई, बहुत ही शुद्ध पानी पिलाया इन्होंने। चलिए, अगर आपने अब तक ललन टॉप के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो वो काम भी करिए, सीफर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड हो आपको फौरन से खबर हो जाए, आपकी वॉल पे ऐसे चमकदार वीडियो नजर आने लगे। और अगर आप यूट्यूब पर ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको भी सलाम। तो ललन टॉप के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह की वीडियोस अपलोड हों आपको अपने लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप फौरन से ज्ञान गंगा का लाभ उठा सकें। शुक्रिया, और इसकी रेसिपी भी दी जाएगी आपको। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।